तो आज का जो ये थर्ड सेशन है, इट इज फॉर सोशल मीडिया फॉर बिजनेसेस। एंड इन दिस सेशन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फेसबुक, ट्विटर एंड लिंक्डइन, एंड नॉट फॉर नॉर्मल अकाउंट, ओनली फॉर बिजनेस अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग आज के जो ये सेशन है, इसमें ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग फेसबुक को, ट्विटर को और लिंक्डइन को बिजनेस के लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हमने इसमें हैंड ऑन्स भी देखना है कि किस तरह से हम लोग बेसिकली बिजनेस के लिए इसको यूज करेंगे, तो प्रैक्टिकल भी मैं आपको इसमें करके दिखाऊंगा। तो बेसिकली स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं। हम लोग सभी ने फेसबुक यूज किया है, ट्विटर और लिंक्डइन भी हम लोग यूज करते हैं रेगुलरली, बट वी आर यूजिंग दीज सोशल मीडिया अकाउंट ओनली फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। अभी तक जो हमने इसमें काम किया है वो सिर्फ ये, फेसबुक के थ्रू हम लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह से इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं, और ट्विटर के थ्रू जो रेगुलरली ट्वीट्स वगैरह आते हैं उनको हम लोग चेक कर लेते हैं, कुछ एक आध ट्वीट हम भी कर लेते हैं, और लिंक्डइन के थ्रू हम लोगों ने सभी ने अपना प्रोफेशनल अकाउंट बेसिकली उसमें क्रिएट किया हुआ है। तो हमारा मेन पर्पस जो इसमें रहता है इन तीनों सोशल मीडिया अकाउंट्स पे यूज करने का, और इसके अलावा भी व्हाट्सएप वगैरह यूज करने का, वो सिर्फ और सिर्फ ये रहता है कि हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाते हैं रेगुलरली। लेकिन आप इन अकाउंट्स को सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर के लिए ही यूज ना करें, इसके अलावा हम अपने बिजनेस को, अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए भी इनका यूज कर सकते हैं। यही हम लोग आज चेक करेंगे कि इसको हम किस तरह से बेसिकली यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फेसबुक से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू ट्विटर एंड लिंक्डइन। तो फेसबुक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए अभी रिसेंटली ही लास्ट वीक इवन फेसबुक ने अपना नाम चेंज किया है, एंड इट चेंज टू मेटा। अब हम इसको मेटा के नाम से जानेंगे। इवन वी कैन से दैट फेसबुक डज नॉट चेंज इट्स नेम, जस्ट इट्स पेरेंट कंपनी चेंज इट्स नेम। एंड इन दिस मेटा नेम देर आर थ्री मेजर सोशल मीडिया अकाउंट दैट इज वर्किंग। फर्स्ट वन इज फेसबुक, सेकेंड वन इज इंस्टाग्राम, एंड थर्ड वन इज योर व्हाट्सएप। ये तीनों के तीनों सोशल मीडिया जो हैं ये आपके मेटा नेम के अंदर ही आपके चलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि बिजनेस के लिए हम लोग इसको बेसिकली किस तरह से यूज करते हैं। तो फेसबुक को अगर हम देखें तो इट इज अ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। इट कनेक्ट पीपल अक्रॉस द कंट्री एंड वर्ल्ड। दुनिया भर के लोगों को आपस में कनेक्ट करने का काम बेसिकली ये वेबसाइट हमारी करती है। एंड इट इज द मोस्ट यूज्ड सोशल मीडिया नेटवर्क इन द वर्ल्ड, एंड इट फोकसेस ऑन बिल्डिंग एंड रिलेटिंग सोशल रिलेशन अमंग पीपल हु शेयर कॉमन इंटरेस्ट, एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस। डेफिनेटली अगर हमारा कोई फ्रेंड है तो फ्रेंड हम तभी बनाते हैं जब हमारे और उसके विचार, आचार विचार आपस में मिलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर भी हमारा जो फोकस है वो यही है कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनके बीच में जो डेटा की शेयरिंग है, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग है, वो प्रॉपर तरीके से हम लोग कर पाए। तो फेसबुक का जो मेन एम है वो यही है। अगर हम इसका यूजर ब्रेकडाउन देखें, यूजर ब्रेकडाउन देखना इसलिए जरूरी है बिकॉज अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि हमें कस्टमर्स मिले। अब कस्टमर्स मिलने के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो बिजनेस है वो किस चीज से रिलेटेड है, यानी कि हम क्या बेच रहे हैं। बिजनेस का मतलब है खरीदना बेचना। तो हम जो पोर्टफोलियो हमारा है, जो हम चीजें बेच रहे हैं, जो हम आइटम्स वो क्रिएट कर रहे हैं, तो वो किस यूजर ग्रुप के लिए है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट को टारगेट करते हैं। तो बेसिकली जो फेसबुक का यूजर ब्रेकडाउन है वो कुछ इस तरह से है कि मोर देन 29% जो लोग हैं इसमें 18 to 25 एज ग्रुप के हैं, 11% लोग लगभग 13 to 17 एज ग्रुप के हैं, देन वी हैव 23% पीपल्स ऑफ अराउंड 26 to 34 एज ग्रुप, एंड 18% ऑफ 35 to 44 एज ग्रुप। 12% लोग 45 to 54 एज ग्रुप के हैं, 55+ को अगर देखें तो 7% लोग ऐसे हैं जो 55+ की रेंज में इस फेसबुक को यूज करते हैं। तो हम इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारे टारगेट यूजर हैं, इट इज अराउंड फ्रॉम एज 18 to एज 34, 29 और 33% लोग आपके फेसबुक को यूज कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही अगर हमारा बिजनेस है तो ही हम इस फेसबुक अकाउंट पे जाएं अपने बिजनेस पेज को क्रिएट करने के लिए, तो ज्यादा बेटर रहेगा। सोशल इम्पैक्ट जो फेसबुक का है, इसके नेटवर्थ अभी जो है वो $128.290 बिलियन की है। तो आप देख सकते हैं कि डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड सोशल मीडिया नेटवर्क अराउंड द वर्ल्ड, एंड इट अलाउड्स कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट टू एंड फ्रॉम एनी वन इन द वर्ल्ड विद एन इंटरनेट कनेक्शन। आपके पास जस्ट एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए तो आप अपने फोन पे, फोन किसी भी तरह का हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, इवन टीवी पे भी आप फेसबुक को एक्सेस कर सकते हैं। अब फेसबुक पे ही हम बिजनेस पेज क्यों बनाएं, दैट मीन्स कि अगर हम बिजनेस को अपने प्रमोट करना चाह रहे हैं तो हम फेसबुक को क्यों यूज करें। तो
तो आप जो मैंने इसमें यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स लिखी हुई हैं इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, एवरी डे 1.79 बिलियन पीपल यूज फेसबुक। अब आप देख सकते हैं बहुत बड़ा क्लाइंटेज है आपका जो फेसबुक को यूज करता है डेली बेसिस पे। 1.79 बिलियन अक्रॉस द वर्ल्ड इज अ लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है, और 2.7 बिलियन पीपल यूज फेसबुक एवरी मंथ। 9 मिलियन प्लस एडवर्टाइजर्स आर एक्टिव रेगुलरली इन फेसबुक, ठीक है। दैट मीन्स कि इतने सारी एडवर्टाइजिंग कंपनीज जो हैं एडवर्टाइजमेंट करती हैं आपके फेसबुक में, 9 मिलियन प्लस। दैट मीन्स कि आप अपने बिजनेस को अगर फेसबुक पे प्रमोट करेंगे तो यू विल गेट, डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड नंबर ऑफ कस्टमर्स फॉर योर बिजनेस। इट ग्रोज योर बिजनेस फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम विद फेसबुक, बिकॉज इट इज ऑनलाइन मीडिया। तो ऑनलाइन आप अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं से भी अपने क्लाइंटेज को एक्सेस कर सकते हैं, तो आप कहीं से भी किसी भी टाइम पे फेसबुक को यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। देयर आर मिलियंस ऑफ बिजनेसेस बिग एंड स्मॉल कनेक्ट विद पीपल इन ऑन फेसबुक। यू कैन फाइंड न्यू कस्टमर एंड बिल्ड लास्टिंग रिलेशनशिप विद देम। देर आर, आपको पता ही है कि जनरली जो बिजनेसेस होते हैं दे आर नॉट अलाइक, सब एक जैसे बिजनेस नहीं है। देर आर डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस इन द वर्ल्ड, और हर तरह के बिजनेस के लिए फेसबुक में आपको बिल्ट इन सपोर्ट मिलता है। आपके पास ऐसी एड्स की फैसिलिटी है फेसबुक के अंदर जिसके थ्रू हम लोग अपने बिजनेस को अपने अकॉर्डिंग, मतलब बिजनेस के अकॉर्डिंग आपका फेसबुक ग्रो करता है, ठीक है। एंड देर आर डेफिनेट एड फॉर्मेट्स दैट आर यूज इन फेसबुक एंड पेजेस दैट आर डिजाइंड टू कैप्चर अटेंशन एंड प्रॉम्प्ट एक्शन। दे ऑफर क्रिएटिविटी, क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी, वर्क अक्रॉस डिवाइसेस एंड आर बिल्ट टू हेल्प यू रीच योर गोल, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर आप कोई एड क्रिएट करते हैं फेसबुक में तो अक्रॉस द डिवाइस आपका एड प्रॉपर तरीके से प्ले होता है। दैट मीन्स कि आपने सपोज एक वीडियो पोस्ट किया या फिर कोई इमेज पोस्ट करी अपने ऐड के, अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई फोटो पोस्ट करी है, तो वो फोटो आप एक स्मॉल डिवाइस पे अगर देखेंगे तो उसमें भी प्रॉपर आपको दिखाई देगा। आप एक बड़ी स्क्रीन पे लाइक योर एलईडी टीवी पे अगर आप उसको देखते हैं तो उसमें भी वो आपकी जो इमेज है वो प्रॉपर फॉर्मेट में ही आपको दिखाई देगी। तो अक्रॉस द डिवाइसेज, चाहे आपके डिवाइस का साइज छोटा हो या बड़ा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके एड इस तरह के बने हुए हैं फेसबुक में जो आपको प्रॉपर फॉर्मेटिंग प्रोवाइड कराते हैं। देर आर नंबर ऑफ फैंस एंड फॉलोवर्स, और वो आपको आसानी से फेसबुक पे फाइंड आउट भी कर सकते हैं। देर इज अ, अभी मैं सुन रहा था फर्स्ट जो आपका लेक्चर हुआ है उसमें सर आपको, आई थिंक बालम सर थे, वो आपको सर्च इंजन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे, एसईओ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे। तो बेसिकली फेसबुक और ट्विटर है, लिंक्डइन है, इस तरह के सोशल मीडिया अकाउंट जो है इन पे भी आप बहुत बढ़िया तरीके से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का, अपनी कंपनी का, अपने बिजनेस का। क्योंकि यहाँ पे जो फॉलोअर्स आपके हैं जो आपके बिजनेस को फॉलो करेंगे वो रेगुलरली और इजिली आपके बिजनेस को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सर्च बटन। दैट इज, यू डू नॉट नीड टू क्रिएट दैट सर्च बटन, इट इज आपके जो फेसबुक है फेसबुक में ऑलरेडी इट इज प्रेजेंट। तो उसको, उसकी हेल्प से ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत बेटर तरीके से हम लोग कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से करते हैं इस काम को। तो अगर बिजनेस पेज को हम लोग देखें तो बेसिकली बिजनेस पेज क्रिएट करने के लिए पहले तो आपके पास एक बिजनेस होना चाहिए, एक बिजनेस का आइडिया होना चाहिए। आफ्टर दैट यू नीड टू क्रिएट अ बिजनेस पेज इन योर फेसबुक अकाउंट। पहले इसके स्टेप्स देख लेते हैं थ्योरेटिकली और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली इसको कि हम किस तरह से फेसबुक में बिजनेस पेज को क्रिएट करेंगे। तो वंस यू हैव कम अप विद अ बिजनेस आइडिया द नेक्स्ट स्टेप इज टू रीच पोटेंशियल क्लाइंट। डेफिनेटली अगर आपके पास कोई बिजनेस है या कोई बिजनेस आइडिया है तो उसके लिए सबसे पहले आपको मार्केट चेकआउट करना होता है। मार्केट चेक करने का मतलब यह है कि आपको क्लाइंट ढूंढना है कि उस बिजनेस को आप कहाँ पे बेचेंगे, कहाँ पे उसे अप्लाई करेंगे ताकि आपके कस्टमर्स आप तक पहुंच पाए। तो फेसबुक इज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर एडवर्टाइजिंग हैविंग मोर देन 2 बिलियन एक्टिव यूजर पर मंथ। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि वी हैव मोर देन 2 बिलियन एक्टिव यूजर पर मंथ इन फेसबुक। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कस्टमर्स को ढूंढने के लिए इधर उधर मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है कि आप अभी हल्द्वानी में बैठे हैं और आपने कोई बिजनेस लॉन्च किया है तो आप उसके क्लाइंट के लिए एक रिक्शा लेंगे, उस रिक्शे में एक बंदे को बैठाएंगे और वो पूरे हल्द्वानी में मुनादी कराता हुआ फिरेगा कि भाई हमारा ये बिजनेस लॉन्च हुआ है और आप यहाँ पे आइए और इसको चेकआउट की। नहीं, ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको हल्द्वानी में आपका बिजनेस है, आपको अल्मोड़ा जाना है तो वहां पर आपको उसके लिए सर्चिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप फेसबुक पे यूज कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट और आप इंटरनेट को यूज कर रहे हैं तो इंटरनेट कोई भी घर बैठ के आसानी से उसको चेकआउट कर सकता है। आपको भी अगर आपने बिजनेस को प्रमोट करना है तो आपको कहीं स्पेसिफिकली जाने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, आप उस लैपटॉप में इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए और डेफिनेटली उस इंटरनेट को यूज करते हुए आप फेसबुक में एक बिजनेस पेज क्रिएट करेंगे और उसकी हेल्प से अपने बिजनेस को आप प्रमोट कर सकते हैं।
A Facebook page is a public Facebook account that can be used by a brand, organization, artist, and public figures. That is used to वो सिर्फ business purpose के लिए ही नहीं, आप अपने बारे में information भी लोगों को share करना चाहते हैं. For example, आप कोई artist हैं और आप अपने अपनी कला को लोगों तक दिखाना चाहते हैं, उस तक पहुँचाना चाहते हैं लोगों तक, तो उसके लिए भी आप Facebook pages को use कर सकते हैं. Businesses use pages to share contact information, post updates, share content, promote events, releases, etc. with their Facebook audience. So, Facebook के जो आपके customers हैं, उनके लिए जो भी काम आप करना चाहते हैं, information share करना चाहते हैं, अपने business से related कोई update share करना चाहते हैं, content share करना है आपको, अपने कोई event आप organize कर रहे हैं, उसको promote करना है आपको, कोई न्यू रिलीज है उसको आपको शेयर करना है, तो ये सब कुछ आप फेसबुक ऑडियंस के साथ आसानी से कर सकते हैं. और आज की डेट में ऐसा कोई नहीं है जो फेसबुक से जुड़ा हुआ ना हो, हर एक बंदा फेसबुक से जुड़ा हुआ होता है. ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. देर आर सिंपल स्टेप्स दैट यू वॉन्ट टू टेक फॉर क्रिएटिंग योर ओन फेसबुक बिजनेस पेज. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, आपका अपना जो फेसबुक अकाउंट है उस पर आप लॉग इन करेंगे. ठीक है, और उसमें लॉग इन करने के बाद ही आप बिजनेस पेज क्रिएट कर सकते हैं. ऐसा इसलिए है, फेसबुक ने ये रिस्ट्रिक्शन इसलिए रखी हुई है, आप बिना फेसबुक अकाउंट क्रिएट करे बिजनेस पेज क्रिएट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू नीड टू बी अ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ योर बिजनेस पेज. एडमिनिस्ट्रेटर उस बंदे को बोलते हैं जो आपके बिजनेस पेज को मैनेज कर रहा है. ठीक है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर है. तो एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली आपका बिजनेस है, आप अपने बिजनेस के लिए बिजनेस पेज क्रिएट कर रहे हैं, तो आप ही उसके एडमिनिस्ट्रेटर भी होंगे. तो एडमिनिस्ट्रेटर आप हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस, अपने फेसबुक अकाउंट से ही बिजनेस पेज को क्रिएट करना होगा. दैट्स आफ्टर दैट ओनली यू बिकम अ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ योर बिजनेस पेज. इसको कोई इसमें बहुत ज्यादा फिक्र करने वाली बात नहीं है कि आपका पर्सनल अकाउंट है वो हैक हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा या इन्फॉर्मेशन आपकी लीक हो जाएगी, बिकॉज द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर पर्सनल अकाउंट विल नॉट बी पब्लिकली विजिबल ऑन योर बिजनेस पेज. बिजनेस पेज इज अ डिफरेंट पेज एंड योर पर्सनल अकाउंट पेज इज अ डिफरेंट पेज. तो उन दोनों के बीच में सिर्फ रिलेशन इतना है कि आप वो इंसान हैं जो इन दोनों पेजेस को मैनेज कर रहे हैं. अलग अलग बिजनेस पेज और आपका अकाउंट पेज बिल्कुल डिफरेंट होता है, उनके बीच में कोई इस तरह का कोई और रिलेशन नहीं है. दैट मींस कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने अपने फेसबुक अकाउंट में लिखी हुई है उसको किसी भी तरीके से बिजनेस पेज में इंक्लूड नहीं किया जाता है. बट इट इज कंपल्सरी टू हैव अ फेसबुक अकाउंट फॉर स्टार्टिंग योर बिजनेस पेज. ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप फॉर योर फेसबुक अकाउंट. तो वन बाय वन इनको हम पढ़ते रहते हैं और चेक भी करते रहते हैं. मैं आपको दिखाता हूँ. यस सर, अब दिख रहा है, विजिबल है, क्रोम दिख रहा है ना. ठीक है, तो अगर आप अपने लैपटॉप वगैरह में बैठे हैं, लैपटॉप के साथ हैं, तो आप लैपटॉप में जैसा मैं करते जा रहा हूँ ऐसे ही आप भी हैंड्स ऑन करते रहिए, तो आप ज्यादा इजी होगा सब मुझे समझाने में भी और आपको समझने में भी. और इफ दिस इज नॉट पॉसिबल नो वरी, ये जो पीपीटी मैंने क्रिएट करी है इसमें सब कुछ रिटन है, ये पीपीटी में शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, तो आप उसको चेकआउट करके भी ये काम कर सकते हैं. ठीक है, तो वन बाय वन पीपीटी की स्क्रीन हम लोग चेक करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि कैसे इसमें हैंड्स ऑन करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम लॉग इन इन टू माई फेसबुक अकाउंट. दिस इज माई फेसबुक अकाउंट, दिख रहा है सबको? यस सर, दिख रहा है. हेलो, is this visible to all of you? Sir, it's visible. Yes, sir. Yes. Visible. Okay. Now, in this account, आप देख रहे हैं ये मेरा पर्सनल अकाउंट है. हम इस अकाउंट में बिजनेस पेज में हमें जाना है, तो आपके पास ये ऑप्शन है. देखिए यहाँ पर ये आपको 6 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे टॉप मोस्ट एरिया में, और इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपके पास एक मेन्यू ओपन होता है. इस मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शंस हैं. इसमें एक ऑप्शन है आपके पास पेज का, इस पेज पे हमें क्लिक करना है. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट योर बिजनेस पेज. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लॉग इन टू योर फेसबुक अकाउंट, और फेसबुक अकाउंट में लॉग इन करने के बाद आप क्या करेंगे, इस पेज पे क्लिक करेंगे. जैसे ही मैं इस पेज पे क्लिक करता हूँ तो एक फेसबुक डैशबोर्ड ओपन होता है जहाँ पे आपका ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन है, और इनमें वो सारे ऑप्शन है जिसकी हेल्प से हम लोग बिजनेस पेज को क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया. यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, फेसबुक अकाउंट पे लॉगिन किया. लॉगिन करने के बाद हमने फेसबुक पेज को ओपन किया है. वन बाय वन और स्टेप्स इसके देखते हैं. तो सेकंड स्टेप इज दैट कि वी हैव टू प्रोवाइड दी इंफॉर्मेशन अबाउट अबाउट आवर बिजनेस पेज. जो बिजनेस पेज हम बनाने जा रहे हैं
उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करानी है, ठीक है। तो वन बाय वन इसको चेकआउट करते हैं। फर्स्ट वन इज आवर पेज इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स वी हैव टू क्रिएट अ पेज नेम जिसके बेस में आपका बिजनेस पेज क्रिएट होगा। तो मैं यहाँ पर एक डिफॉल्ट नेम प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसका नाम हम रख लेते हैं CS ट्यूटोरियल, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस ट्यूटोरियल मैंने इसका नाम दे दिया है पेज नेम। अब इसकी हमें देखिए, अगर ये नेम पहले से किसी ने लिया है पेज में तो आपको फेसबुक बताएगा कि यू कैन नॉट टेक दिस पेज नेम फॉर योर बिजनेस पेज। हमने सी एस ट्यूटोरियल लिखा है और यहाँ पे ये टिक बना हुआ आ रहा है, राइट ग्रीन कलर से बना हुआ आ रहा है, दैट मीन्स कि दिस नेम इज करेक्ट, वी कैन टेक दिस नेम फॉर आवर बिजनेस पेज। अब यहाँ पे कुछ कैटेगरीज आपको चूज करनी है, और जैसे जैसे मैं यहाँ पे पेज में अमेंडमेंट करता जाऊंगा, राइट हैंड साइड में जो पेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये चेंजेस आपको दिखते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे ही सी एस ट्यूटोरियल यहाँ पे लिखा है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेस्कटॉप प्रीव्यू पे आप देखिए सी एस ट्यूटोरियल लिखा हुआ आ रहा है, दिख रहा है सबको, आई थिंक दिख रहा होगा। अब यहाँ पे कैटेगरी आपको चूज करनी है, तो कैटेगरी आप अपने मन से नहीं बना पाएंगे, यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट कैटेगरी बनी हुई हैं, आपको उन्हीं कैटेगरीज को चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आवर कंप्यूटर साइंस ट्यूटोरियल पेज, तो हम इसको कंप्यूटर साइंस कैटेगरी में इंक्लूड कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ आ रहा है कंप्यूटर, जैसे ही मैंने टाइप किया यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हाईलाइट हो गए, कंप्यूटर कंपनी, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर रिपेयर सर्विस, कंप्यूटर शॉप, कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कूल, तो वी हैव कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कूल, इसको क्लिक करते हैं, ये हमने कैटेगरी चूज कर ली, ऑटोमेटिकली दिस कैटेगरी विल बी हाईलाइटेड इनटू योर डैशबोर्ड, जो यहाँ पे डेस्कटॉप प्रीव्यू हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कूल लिखा हुआ आ रहा है। नाउ वी हैव टू गिव सम डिस्क्रिप्शन, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो दीजिए चाहें तो आप नहीं दीजिए, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो यू नीड अ कैरेक्टर लिमिट ऑफ 255, यानी कि मैक्सिमम कैरेक्टर 255 होने चाहिए, मिनिमम तो कुछ भी आप रख सकते हैं। मैं इसमें सिंपल साइड डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेता हूँ, दिस इज आवर कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, this is used for personal coaching classes as well। तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, तीन चीजें इसने मुझसे पूछी, एक तो पेज का नाम हमने सीएस ट्यूटोरियल लिखा, then we have to give the category, we have chosen computer training school, and then we have to give description। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि डिस्क्रिप्शन देना ही है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि जब आप ये पेज क्रिएट हो जाएगा एंड द कस्टमर गेट्स दिस पेज इन द सर्च बॉक्स और सर्च पे फेसबुक सर्च करके ये पेज उनको दिखाई देगा, तो वहां पे कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन उनको दिखना चाहिए जिससे उन्हें पता लगेगा कि ये पेज किसके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तो मैंने सिंपल डिस्क्रिप्शन ऐसे लिख दिया है, लेकिन यू नीड टू बी मोर स्पेसिफिक इन योर डिस्क्रिप्शन, आपके जो भी बिजनेस है उसको मोर स्पेसिफिकली ये रिजेंबल करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देंगे। अब मैं क्रिएट पेज पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये कह रहा है सी एस ट्यूटोरियल वॉज क्रिएटेड, और जो हमने ये क्रिएट किया है इसमें कुछ ऑप्शन और हाईलाइट हो गए हैं यहाँ पे, अब ये ऑप्शन आपको फुलफिल करना है, दैट मींस यू नीड टू ऐड अ इमेज फॉर योर प्रोफाइल पिक्चर, यू नीड टू ऐड अ कवर फोटो, यहाँ पे कवर फोटो में अभी एक डिफॉल्ट इमेज लगी हुई है, यहाँ पर आपको इमेज अप्लाई करनी है, और इस एरिया के लिए जहाँ पे हमारा ये प्रोफाइल पिक्चर आती है इस जगह पे आपको अपने ब्रांड का इमेज यहाँ पे देना पड़ेगा। जनरली जो लोगो होता है हमारा, वो लोगो हम यहाँ पर फिट कर लेते हैं, और अपने बिजनेस की जो आपकी पिक है एक बैकग्राउंड पिक आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिसको हम यहाँ पे कवर इमेज बोलते हैं, कवर फोटो बोलते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ, अभी मैं इसको अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, और आफ्टर सेविंग द पेज आप इसको बाद में भी एडिट कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब ये पेज जो हम बना रहे हैं इसमें और भी बहुत सारी सेटिंग है, वन बाय वन देखते हैं अभी इसको। डेस्कटॉप पे अगर आप इसको देखते हैं, लैपटॉप में या डेस्कटॉप पे, तो आपको इस तरह से प्रीव्यू दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए टॉप मोस्ट में यहाँ पे दो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, वन इज फॉर डेस्कटॉप एंड वन इज फॉर आपका मोबाइल ऑप्शन है, तो अभी ये डेस्कटॉप वाला ऑप्शन हाईलाइटेड है। अगर मैं इसको मोबाइल में चेक करना चाहूँ तो मोबाइल पे क्लिक कीजिए, तो मोबाइल में आपको ये पेज कुछ इस तरह से दिखाई देगा, दिख रहा होगा सबको,
दिस वन इज फॉर डेस्कटॉप एंड दिस वन इज फॉर लैपटॉप, ठीक है। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि लैपटॉप में या डेस्कटॉप में या फिर आपके मोबाइल में एज इट इज ये दिखाई देगा, डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड, आपके ब्राउजर वर्जन पे और आपके जो प्लेटफॉर्म है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर ये सब कुछ चीजें डिपेंड करती हैं। लेकिन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर आपको मोबाइल में देखना है तो मोबाइल में कुछ इस तरह से आपको पेज दिखाई देगा, और अगर आप लैपटॉप में देखते हैं तो लैपटॉप में आपको कुछ इस तरह से पेज दिखाई देगा। अभी मैं इसे सेव कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने सेव किया पेज आपका क्रिएट हो गया है और यहां पर एक मैसेज हाईलाइट हो रहा है, इट इज सेइंग दैट यू हैव टू कनेक्ट योर फेसबुक पेज टू व्हाट्सएप। अब यह तो आपको पता ही, अभी मैंने बताया था आपको कि जो मेटा कंपनी है, जो फेसबुक ने अभी नाम चेंज किया है अपना, इसके अंडर में तीन सोशल मीडिया अकाउंट्स आते हैं, एक तो आपका फेसबुक है, दूसरा व्हाट्सएप है, तीसरा इंस्टाग्राम है। दैट मीन्स कि ये सेम पेरेंट कंपनी के चाइल्ड हैं तीनों। तो बेसिकली फेसबुक में अगर आप कोई बिजनेस अकाउंट बनाते हैं तो आपको पता है आज की डेट में बिजनेस व्हाट्सएप पर भी किया जाता है, ठीक है। तो ये फेसबुक पेज आपसे ये कह रहा है कि अगर आप अपने व्हाट्सएप नंबर को अपने फेसबुक पेज से लिंक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपने व्हाट्सएप नंबर को अप्लाई कर दीजिए। मेरा जो नंबर है वो डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। आप अपने बिजनेस जो आपका व्हाट्सएप नंबर होगा वो नंबर आपका डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, आप नहीं आ रहा है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब चेंज करने के साथ, अब जब ये लिंक आपका होगा इस फेसबुक पेज के साथ, तो आप यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेंड कोड का। दैट मीन्स जो नंबर हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, यहाँ से एक सेंड कोड बटन पे क्लिक करेंगे तो वो कोड आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। जब आप उसको वेरीफाई करेंगे उस कोड को, देन ऑटोमेटिकली योर व्हाट्सएप विल बी गेट कनेक्टेड टू योर फेसबुक पेज। तो फेसबुक पेज पे जो भी अपडेट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली यू विल गेट नोटिफाइड इनटू योर व्हाट्सएप अकाउंट। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर आप इसको सेंड कोड पे अप्लाई कर लीजिए, अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसको हम क्रॉस कर सकते हैं, बाद में भी अप्लाई किया जा सकता है, कोई एज सच कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है, ठीक है। तो मैं भी इसे क्रॉस कर रहा हूँ, मुझे अभी इसको ऐड नहीं करना है व्हाट्सएप के साथ। आर यू श्योर दैट यू वॉन्ट टू लीव? यस लीव। तो ये हमारा पेज हाईलाइट हुआ है यहाँ पे। इस पेज में ये बिल्कुल वैसा ही आपको दिखाई दे रहा होगा जैसा कि आपका नॉर्मल अकाउंट होता है, लगभग वैसे ही इसमें ऑप्शंस हैं सारे के सारे आपके पास, ठीक है। बस कुछ सेटिंग्स इसमें एक्स्ट्रा हैं जो आपको रिलेटेड टू योर बिजनेस आपको करनी होती हैं, ठीक है। वापस लौटते हैं आपके फेसबुक पे, आपके जो हम पीपीटी पढ़ रहे थे, पीपीटी दिखाई दे रही है सबको? हेलो, यस सर, दिखाई दे रही है। ओके, तो दिस स्टेप वी हैव कंप्लीटेड, वी हैव लॉग इन इनटू आवर पर्सनल फेसबुक अकाउंट एंड देन आफ्टर दैट वी हैव क्रिएटेड अ बिजनेस पेज। स्टेप टू वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड। आप साइन अप जब करते हैं पेज में, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया कि आप अकाउंट पे अपने लॉग इन करेंगे और वहां से आप साइन अप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन और है, देन यू कैन गो डायरेक्टली टू facebook.com/pages/create। इसके साथ भी आपका वही पेज ओपन होगा जो मैंने अभी ओपन किया था। इसमें भी आपको अकाउंट पे तो लॉग इन करना ही पड़ेगा, बिना उसके आप बिजनेस पेज नहीं बना पाएंगे। ये जो स्क्रीन अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये वही स्क्रीन है जिसमें अभी हमने वर्क किया था, जहां पर हमने पेज की इन्फॉर्मेशन, कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन और डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया था। तो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड स्टेप टू। थर्ड स्टेप में आपको पेज का नेम, पेज की कैटेगरी मैंने भी बताया था आपको, वो हमने ऐड कर ली है। फोर्थ स्टेप में डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन भी हमने ऐड कर लिया और उसके बाद हमने क्रिएट पेज बटन में भी क्लिक किया था। तो स्टेप फोर वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। नाउ इन नेक्स्ट फाइव, स्टेप फाइव, वी हैव टू क्रिएट अ प्रोफाइल फोटो एंड अ कवर फोटो, ठीक है। तो आपको एक प्रोफाइल, जो अपना कवर फोटो है उसके लिए एक प्रोफाइल इमेज क्रिएट करनी है। तो आपको उसमें ध्यान ये रखना है कि एक ऐसा विजुअल आपको यहाँ पे अप्लाई करना है जो आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा। डेफिनेटली जब आपके कस्टमर आपके पेज पे आएंगे तो सबसे पहले जो इमेज उनको दिखाई देगी वो है आपका कवर फोटो। तो कवर फोटो अगर आप तरीके से अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल आपका कोई शॉप है तो उस शॉप की फ्रंट की पिक आप वहां पे लगा सकते हैं। अगर आपका एक कोई शॉप है जिसमें आप सपोज मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम की शॉप है आपकी, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप लोग सेल करते हैं, तो आप सपोज सैमसंग है, सोनी है, इनके इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप लोग सेंड कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एक इमेज ऐसी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें इन सारी कंपनीज के लोगो लगे हुए हैं आपकी कंपनी के लोगों के साथ। तो इस तरह की इमेजेस से क्या होता है कि आपके कस्टमर को एक फर्स्ट फीडबैक मिल जाता है कि आप वो किस तरह के बिजनेस के लिए फेसबुक में चेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट विजुअल इंप्रेशन दैट योर कस्टमर गेट थ्रू योर फेसबुक बिजनेस पेज। तो ये बहुत प्रॉपर होना चाहिए, इसीलिए मैंने स्पेसिफाइड यहाँ पे किया हुआ है
कि जो इमेज आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे इट इज ऑफ अराउंड 1640x856 pixels, यानी कि जो इमेज आप क्रिएट करेंगे अपने कवर फोटो के लिए उसकी विड्थ होनी चाहिए 1640 pixels और हाइट होनी चाहिए 856 pixels, ठीक है। तो जब आप इस तरह की कोई इमेज बना लें तो उसके बाद आप इसको एज अ कवर फोटो ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं कि इसको किस तरह से हम लोग क्रिएट करेंगे। मुझे एक मिनट दीजिए, मैं एक सॉफ्टवेयर ओपन कर लूं। तो दिस इज बेसिकली Adobe Photoshop CS3, इसमें हम लोग एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो इमेज हम लोग क्रिएट करेंगे वो बेसिकली हमारी होगी 1640 by 856, इसका रेजोल्यूशन होगा, हाइट होगी और रेजोल्यूशन हम इसके रखते हैं 72। तो बेसिकली ये कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी है, 1640 इसकी विड्थ होगी, हाइट होगी 856 और रेजोल्यूशन होगा 72। तो ये एक इमेज का फॉर्मेट हमारे पास आ गया। इसमें हम कुछ अप्लाई कर लेते हैं, लाइक एक रेड कलर हमने प्लेस कर लिया इसमें, कुछ लिख लेते हैं, माय बिजनेस अकाउंट, और इसका कलर चेंज कर लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है ये सॉफ्टवेयर आपको आता हो, आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपको आता है उसके अकॉर्डिंग ये काम कर सकते हैं। मेरे को यही सॉफ्टवेयर आता है तो मैंने यही ओपन किया। तो हमने लिखा इसमें माय बिजनेस अकाउंट, ठीक है, इसको सेंटर पर रख लेते हैं और अभी इससे ज़्यादा मैं इसमें काम नहीं कर रहा हूँ, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव करेंगे आप, जब इसको सेव करेंगे तो आप फॉर्मेट देख लीजिए, इसमें JPEG या PNG आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसका नाम भी कवर पिक रख लेता हूँ और ये हमारी सेव हो गई इमेज, हमने सेव कर ली है। अब मैं अगेन शेयर कर रहा हूँ आपसे स्क्रीन जहां पे हम लोग वर्क कर रहे थे। देखिए फेसबुक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कवर फोटो हम लोग चेंज करते हैं। इसको कवर फोटो कैसे चेंज करेंगे, या तो आप स्टार्टिंग में मैंने जो दिखाया था आपको वहां से चेंज कर सकते हैं, या फिर जब हमारा पेज क्रिएट हो गया तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करते हैं, अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे मैंने ये इमेज लगाई है, इसको ओपन कर लेते हैं। सेव चेंजेस, तो नाउ दिस इज आवर कवर फोटो जो हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है। सेम आपको यूज करना है अपने प्रोफाइल फोटो के लिए, प्रोफाइल फोटो यहाँ से चूज कर लेंगे, व्यू फोटो, सॉरी ये तो आपको दिखाएगा एडिट प्रोफाइल पिक्चर। आप चाहें तो इसके लिए भी एक इमेज क्रिएट कर लीजिए, अभी क्रिएट नहीं कर रहा हूँ मैं, जो कवर फोटो बनाया था उसी को ले लेते हैं और उसमें इस पार्ट को हम लोग बेसिकली यूज कर लेते हैं। तो हमने सेम पिक यहाँ पे यूज कर लिया। जनरली हम लोग प्रोफाइल फोटो में क्या करते हैं, जो आपका प्रोफाइल पिक्चर है यहाँ पर आप कंपनी का लोगो अलाइन करते हैं, तो लोगो आप यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आपकी इमेजेस पे जो उसके कवर फोटो है, प्रोफाइल पिक्चर है, इस पे हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। अगेन आई एम गोइंग टू द पावर पॉइंट स्लाइड, आई थिंक इट इज विजिबल टू यू, ठीक है। तो स्टेप 5 वी हैव कंप्लीटेड एंड वी हैव ऑलरेडी अप्लाइड कवर इमेजेस एंड योर प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। नाउ अब इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है आपकी बिजनेस पेज सेटअप करने का, कि यहाँ पर हमें बिजनेस की डिटेल एड ऑन करनी है और ऑलमोस्ट इसमें 14-15 स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद ही आपका बिजनेस अकाउंट का पेज जो है वो फेसबुक पे सेट होता है। तो वन बाय वन इन सारे स्टेप्स को हम लोग चेकआउट करते हैं। देखिए बिजनेस पेज पे आते हैं, यहाँ पे जब मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेट योर पेज अप फॉर सक्सेस, दैट मीन्स दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स दैट यू नीड टू कंप्लीट फॉर योर बिजनेस अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे 13 स्टेप्स लिखे हुए आ रहे हैं जिसमें से 5 स्टेप्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, वी हैव ऑलरेडी इनिशियलाइजेस द नेम ऑफ योर पेज, वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द कवर इमेज, वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द प्रोफाइल इमेज, वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड
डिस्क्रिप्शन, वी हैव ऑलरेडी एडिट द डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कैटेगरी हम ऑलरेडी चूज कर चुके हैं. सो दीज आर सम ऑफ द फाइव ऑप्शन वी हैव कंप्लीटेड. नाउ देयर आर मोर स्टेप्स दैट नीड्स टू बी कंप्लीटेड बिफोर सेटिंग अप योर बिजनेस अकाउंट. तो वन बाय वन देखते हैं इसको. ये हमने कंप्लीट कर लिया है. एस्टैब्लिश योर पेज आइडेंटिटी, प्रोवाइड इन्फो एंड प्रेफरेंसेस में हमारे सिक्स स्टेप्स लेफ्ट हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको, इस पर क्लिक करते हैं. तो सबसे पहला ये कह रहा है कि आप अपने बिजनेस की जो वेबसाइट है उसको ऐड कीजिए. अब यहाँ पे बिजनेस की वेबसाइट आपको डेफिनेटली, अगर आपका कोई बिजनेस है तो या कंपनी है तो उसकी वेबसाइट भी होगी, तो उस कंपनी की वेबसाइट को आप यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है. आप चाहें तो, नहीं है तो आप इसको एज इट इज लीव भी कर दीजिए. अगर ऐड करना है तो इस पर क्लिक कीजिए. अब यहाँ पे आप अपनी कंपनी की वेबसाइट को एड ऑन कर सकते हैं. मैं अभी इसमें बाय डिफॉल्ट कुछ ही ऐसे लिख देता हूँ. मैं अपने कॉलेज की वेबसाइट इसमें एड ऑन कर लेता हूँ. ये हमने ऐड कर लिया, ठीक है. या फिर आप इस बटन पे क्लिक करते हैं, दैट मींस कि योर पेज डजंट हैव अ वेबसाइट, ये भी चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक. तो उसके बाद देखिए एक स्टेप कम हो गया इसमें, अब फाइव स्टेप लेफ्ट है. नाउ यू हैव टू गिव द लोकेशन ऑफ योर बिजनेस. तो यहाँ से हम लोकेशन ऐड कर सकते हैं, एड्रेस है वगैरह जो भी आप चूज करना चाहें. यहाँ से मैप लोकेशन में आपका वो सब कुछ दिखाई देगा. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे हल्द्वानी चूज कर लेते हैं. मैंने हल्द्वानी चूज किया और पोस्टल कोड 263139, ये मेरे घर का एड्रेस है, ये मैंने चूज कर लिया, ठीक है. ये चीज और हो गया. बिजनेस आवर्स हमने सेट करने हैं कि आपका जो बिजनेस है वो किस समय ओपन होता है, किस समय क्लोज होता है, उसके आवर्स आप यहां से सेट कर सकते हैं, ठीक है. फोन नंबर आपको ऐड करना है तो फोन नंबर आप यहां से ऐड कर सकते हैं. सिंपल से ऑप्शन है एज सच, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. आप वन बाय वन इनको पढ़ते जाइए और इनको एड ऑन करते जाइए. व्हाट्सएप का कनेक्ट जो अभी स्टार्टिंग में आ रहा था वो हम यहाँ से फिर से कर सकते हैं. आप इन पे क्लिक कीजिए और ऑटोमेटिकली योर व्हाट्सएप विल गेट कनेक्टेड टू योर फेसबुक प्रोफाइल, ठीक है. अब यहाँ पे जब यूजर या कस्टमर आपके बिजनेस अकाउंट को चेक करेगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एड अ बटन, और यही ऑप्शन आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है. देखिए ये लिखा हुआ है एड बटन, और वही ऑप्शन आपका यहाँ पर है एड अ बटन. सेम है, सेम ऑप्शन है ये एक्चुअली क्या है. फॉर एग्जाम्पल आप अपने यहाँ इस अकाउंट से कोई आइटम सेल करना चाहते हैं, ठीक है. तो जैसे ही मैं एड अ बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं. देखो जैसे फॉलो का ऑप्शन है, व्यू गिफ्ट कार्ड का, स्टार्ट ऑर्डर, आपको ऑर्डर लेना है तो आप इस बटन को ऐड करना चाहते हैं वहां पे, या आपकी कोई टूरिंग की वेबसाइट है या टूरिंग का कोई बिजनेस है, आप चाहते हैं कि लोग बुक करें आपको, तो बुक नाउ पे क्लिक किया, ठीक है. और फॉर एग्जाम्पल फॉलो पे हमने क्लिक किया, ये देखिए ये फॉलो का बटन यहां पे आ गया, ठीक है. ऐसे ही जिस भी एलिमेंट पे आप क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो आपका बटन है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा. यहाँ पर सिर्फ आप एक ही बटन एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है. तो वो मोस्ट प्रॉम्प्टिंग बटन जो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग एलिजिबल होगा यहाँ पे लगाने के, वो आप अप्लाई कर लीजिए, ठीक. आप चेंज करना चाहते हैं इसको चेंज कर लीजिए फिर से. आप हटाना चाहें इसको हटा भी सकते हैं. डिलीट बटन कर रहा हूं मैं, तो फिर से आपका वो बटन डिलीट हो गया, फिर से वही ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट होने गया एड अ बटन. तो वन बाय वन ये सारे ऑप्शन आप लोग ट्राई कर सकते हैं. इसके बाद नाउ अब आपका बिजनेस अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया है. आपने पूरा का पूरा अकाउंट क्रिएट कर लिया, आपने बिजनेस पेज क्रिएट कर लिया है. अब आपको क्या चाहिए, कस्टमर्स चाहिए. अब कस्टमर्स, क्योंकि मेन तो फंडा यही है, आपने कस्टमर्स आपके पेज पे आएंगे तो इस पेज को बनाने का फायदा है, वरना इस पेज को बनाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है. कस्टमर्स कहाँ से आएंगे. अब सबसे पहला काम तो ये है कि अगर आपको कस्टमर चाहिए तो आपके कस्टमर सबसे पहले वो बनेंगे जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में अटैच हैं, ठीक है. तो फ्रेंड लिस्ट में अटैच जो आपके ऑडियंस हैं या जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनको आप सबसे पहले इस अकाउंट से एड ऑन करेंगे. कैसे ऐड करेंगे, इसके नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इनवाइट फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है, ठीक है. तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में लोग ऐड होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर, एक बार में आप 10 लोगों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है. मेरी लिस्ट में यहाँ पे 999 मेरे फ्रेंड्स हैं, तो उनमें से 10 लोग डिफॉल्ट जो फर्स्ट के 10 हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. हम उनको बाद में वन बाय वन बढ़ा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है. तो आप इनको सेलेक्ट करते रहिए, वन बाय वन सेलेक्ट कीजिए और सेंड इन्विटेशन पे क्लिक कीजिए. तो ऑटोमेटिकली आपके पेज का जो इन्विटेशन है वो आपके फ्रेंड को चला जाएगा, आपके फ्रेंड उसको एक्सेप्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके इस पेज को व्यू कर पाएंगे, ठीक है.
तो सबसे मेन वर्क तो यही है कि आप अपने फ्रेंड्स को अप्लाई कीजिए। आप एक वेलकम पोस्ट है वो भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप वेलकम पोस्ट एक बना लीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब कोई यूजर या फिर कोई कस्टमर आपके पेज से इंटरेक्ट करेगा तो ये पोस्ट उसको दिखनी चाहिए, इसीलिए इसको वेलकम पोस्ट कहा जा रहा है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अपनी कंपनी के बारे में एक और अपने कस्टमर्स को वेलकम करते हुए एक पोस्ट लिख लीजिए। कोई इमेज एड ऑन करना चाहते हैं, कोई वीडियो एड ऑन करना चाहते हैं, आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को इनविटेशन भेजना शुरू कीजिए वन बाय वन, और तब ये लोग आपसे जुड़ना शुरू करेंगे। इतनी बात समझ में आई सभी के? तो वी हैव कंप्लीटेड स्टेप 6, नाउ वी हैव ऑलरेडी, अब एक चीज हमारी रह गई इसमें, पेज यूजर नेम। हम यहाँ पे यूजर नेम भी क्रिएट करते हैं। यूजर नेम क्या होता है मैं दिखाता हूँ आपको, एक्चुअली इसको वैनिटी यूआरएल बेसिकली बोलते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये रहा सीएस ट्यूटोरियल, जहाँ पे नाम लिखा हुआ आ रहा है प्रोफाइल का, उसके ठीक नीचे ये लिखा हुआ है क्रिएट यूजर नेम, इस पर आप क्लिक कीजिए। यूजर नेम का मतलब क्या है, बेसिकली जैसे आप मॉर्निंग में जो सेशन आपने पढ़ा था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत हमें इसलिए होती है क्योंकि जो वेबसाइट आपने बनाई है उस वेबसाइट को प्रमोट करना जरूरी है। अब वेबसाइट को प्रमोट आप करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों तक तो कितने लोगों तक पहुंचा पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट बनाई और उसमें मैं चाहता हूं कि इसको लोग देखें, तो मैं फोन करके लोगों को अगर बताऊं तो मैक्सिमम मैं 100-150 लोगों को फोन कर पाऊंगा अपने फ्रेंड सर्कल में। अगर मैं व्हाट्सएप में भी लिख के भेजूं तो कितने व्हाट्सएप नंबर मेरे पास होंगे, मैक्सिमम सपोज 1000 लोगों के नंबर मेरे पास है, 1000 लोगों को मैंने भेज दिया, उसके आगे क्या होगा। तो आप जनरली क्या होता है, जब हम किसी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो हम अगर हमें उस वेबसाइट का नाम नहीं पता होता तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे सर्च कर लेते हैं या गूगल जैसे किसी सर्च इंजन पे सर्च कर लेते हैं। अब गूगल मेरी वेबसाइट को सर्च करके इसलिए दिखाएगा क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रखा है, दैट मीन्स कि मैंने अपनी वेबसाइट अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन क्रिएट करी है, इसी को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर मेरी वेबसाइट का नाम भी लोगों को नहीं पता तो उसके कंटेंट के अकॉर्डिंग वो सर्च इंजन में सर्च हो जाता है, ठीक है। सेम कंसेप्ट यहाँ पर है। अब मैंने यहाँ पे पेज का नाम सीएस ट्यूटोरियल दे तो दिया, लेकिन कितने लोगों को मैं बता पाऊंगा कि सीएस ट्यूटोरियल नाम से मेरा पेज है, ठीक है। तो ज्यादा बेटर ये है कि सीएस ट्यूटोरियल पेज का नाम है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा मैं एक ऐसा यूजर नेम यहाँ पे प्रोवाइड करूं जिसके बेस पे हमारा ये पेज फेसबुक के सर्चिंग में आ जाए, यानी कि फेसबुक के सर्च यहाँ पे जो आपका ये सर्च बॉक्स बना हुआ आता है यहाँ पर अगर हम सर्च करें, सॉरी यहाँ पर अगर हम सर्च करें तो हमारा पेज सर्चिंग में आएगा। इसकी गारंटी ये है कि आप इस सर्च के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूजर नेम क्रिएट कीजिए, या तो आप अपने नाम से यूजर नेम क्रिएट कर लीजिए क्योंकि आपके नाम को लोग ज्यादा जानते होंगे इन कंपेरिजन टू योर बिजनेस नेम, ठीक है, क्योंकि बिजनेस अभी नया है, लोगों को पता नहीं है, तो लेकिन आपको तो लोग जानते हैं तो आपके नाम से सर्च आउट कर सकते हैं। लेकिन नाम रखने में प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी कभी आपके जो यूजर नेम है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट किसी और ने अगर वो नाम ले रखा है, फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिखता हूँ यहाँ पे नवीन तिवारी, देखिए ये मना कर दिया इसने, कह रहा है दिस पेज इजंट एलिजिबल टू हैव अ यूजर नेम। क्यों भाई ऐसा क्यों? नव तिवारी लिखें इसमें, ओके। एक्चुअली क्या है कि हमें सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा इसमें कि लोगों को इनविटेशन सेंड करना है। अब जब इसमें हम लोगों को इनविटेशन सेंड कर लेंगे और लोग हमारे पेज से एड ऑन हो जाएंगे, इनविटेशन हम खुद अपने फ्रेंड्स को सर्च आउट भेजेंगे, जब वो हमारे पेज से एड ऑन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो उसके बाद हम यहाँ पे यूजर नेम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको यूजर नेम क्रिएट करना है, विदाउट यूजर नेम क्रिएट करे आपका ये जो पेज है ये सर्चिंग में बहुत ज्यादा नहीं आता है स्टार्टिंग में, बाद में जब लोग इससे जुड़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सर्चिंग में एड ऑन होता जाएगा ये, लेकिन यूजर नेम अगर होगा तो डेफिनेटली आपका जो पेज है और ज्यादा बेटर सर्च इंजन में आएगा। इसी को हम लोग सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं, SMO भी इसको कहा जाता है। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज करने का मतलब है कि सोशल मीडिया में आपकी सर्चिंग और ज्यादा बेटर हो रही है, आपके पेज को और ज्यादा सर्च किया जा रहा है सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके पेज क्रिएशन का, इसको आपको करना ही करना है। इसके बाद हम आते हैं यूजर नेम क्रिएट करने के बाद, आपको पहली पोस्ट क्रिएट करनी है। पोस्ट कैसे क्रिएट करनी है ये आपको पता है क्योंकि आप लोगों ने फेसबुक यूज कर रखा है। तो यहाँ पे आपके पास बटन है क्रिएट पोस्ट का, बिल्कुल वैसा ही बटन है जैसा आपका फेसबुक अकाउंट में होता है, आप इस पर क्लिक कीजिए।
और यहाँ पर आप अपनी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं. यू कैन पोस्ट टेक्स्ट मैटर, यू कैन पोस्ट इमेजेस, यू कैन पोस्ट वीडियोस, यू कैन पोस्ट योर बैनर्स, एड और एडवर्टीजमेंट, जो भी आपको करना है वो आप यहाँ पे पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस. ऑलमोस्ट आई हैव जितने भी इसमें ऑप्शन थे लगभग हमने सभी डिस्कस किए हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस पेज को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं फेसबुक के अंदर. ठीक है, इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे जिसको हम आगे अभी चेकआउट करते हैं. ये तो हमने देख लिया कि कैसे हम लोग इनवाइट करेंगे फ्रेंड्स को. इसके अलावा हमारे पास कुछ रोल्स हैं. जैसे मैंने भी आपको बताया कि आप जब कोई पेज क्रिएट करते हैं तो यू आर द सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर पेज, एंड आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाएगा. आपसे कहा जाएगा यू आर द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दैट पर्टिकुलर पेज. ठीक है, अब एडमिन के अलावा, एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा भी कुछ रोल्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक बड़ा बिजनेस है, अब उसके लिए मैंने अगर कोई पेज क्रिएट किया तो मैं उसी के लिए एडवर्टीजमेंट भी मैं ही पोस्ट करूँ, पोस्ट भी मैं ही क्रिएट करूँ, फ्रेंड्स को भी मैं ही इन्वाइट करूँ, सभी कुछ मैं ही करूँगा, तो फिर मैं अपना बिजनेस कैसे चलाऊंगा अगर मैं फेसबुक में ही दिन भर लगा रहूंगा. ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि इसके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए टीम है. उस टीम में बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं जो ये काम को करते हैं. तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह के काम है. फॉर एग्जाम्पल बिजनेस पेज की सारी एक्सेसिंग होती है, टोटल कंप्लीट एक्सेसिंग अगर होगी तो वो एडमिन के पास होगी. उसके बाद आपका आता है एडिटर. एडिटर कैन एडिट द पेज, मैसेज सेंड कर सकता है, पोस्ट क्रिएट कर सकता है, फेसबुक एड क्रिएट कर सकता है, और कोई आपके पास जैसे कोई मैसेज आया है तो उसके बेस पर कमेंटिंग हो सकती है और इनसाइट को व्यू कर सकता है. इनसाइट का मतलब अभी दिखाता हूं मैं आपको इनसाइट कैसे होता है. इनसाइट आपका वो प्लेटफॉर्म है फेसबुक का जिसमें आपको पता लगता है कि आपकी पोस्ट कितने लोगों ने देख ली है, कितने लोग उसमें रिएक्ट कर रहे हैं, आपके फेसबुक प्रोफाइल को कितने दिन हो गए हैं, कौन कौन से उसमें पेज रोल्स हैं, क्या कौन क्या क्या काम कर रहा है, वो सब कुछ उसमें दिखाई देता है इन द फॉर्म ऑफ वेरियस मैप्स, वेरियस ग्राफ्स के फॉर्म में आपको दिखाई देगा. अभी दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत ईजी आपको लगेगा वो. देन वी हैव मॉडरेटर. मॉडरेटर कैन रिस्पॉन्ड टू एंड डिलीट कमेंट्स. कमेंट चेकआउट कर सकता है पेज पे, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर सकता है कमेंट्स. कोई आपको नेगेटिव कमेंट कर रहा है तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं. वल्गर मैसेजेस आ रहे हैं तो उनको हम लोग डिलीट कर सकते हैं. मैसेजेस एज अ पेज ये सेंड कर सकता है. ठीक है, लेकिन ये सब एडमिशन की एडमिन की परमिशन से करेगा. इसके बाद आपका एडवर्टीजर है जो आपके एडमिन की हेल्प से जो आपके एड्स हैं उनको क्रिएट कर सकता है और इनसाइट को व्यू कर सकता है. उसके बाद आता है आपका एनालिस्ट. इट कैन सी विच एडमिन क्रिएटेड अ पोस्ट और कमेंट एंड व्यू इनसाइट. इसका काम सिर्फ देखने का है. फॉर एग्जांपल मैं एडमिन हूं, मैंने अपने पेज में कुछ कमेंट किया और मैं चाह रहा हूं कि भाई एक बंदा पहले इसको देख ले कि मैंने जो कमेंट किया है वो प्रॉपर है या नहीं. तो आपका जो एनालिस्ट है वो यही काम करेगा, वो चेक करके आपको बताएगा कि विच यू विद द पोस्ट यू हैव क्रिएटेड इज एक्यूरेट और नॉट, अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस प्रोफाइल और नॉट. उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा. तो मैं पहले आपको ये दिखाता हूँ कि ये पेज रूल कैसे असाइन करते हैं हम लोग. यहाँ पे जब हम आते हैं तो आपके पास एक सेटिंग का ऑप्शन है. ये देखिए लास्ट में आ रहा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सेटिंग्स, और इसमें है यहाँ पे पेज रोल्स. बहुत सारी सेटिंग्स हैं, जनरल सेटिंग है. ये सेटिंग बिल्कुल वैसी ही है जैसे फेसबुक में आपके नॉर्मल प्रोफाइल्स में होती हैं, तो इनको आप खुद ही चेकआउट कर सकते हैं. जनरल सेटिंग्स हैं, मैसेज की सेटिंग्स हैं, फिर आपके जो पेज इन्फो है उनकी सेटिंग्स हैं. ऐसे ही आपके पास सेटिंग्स हैं पेज रोल्स की. ये पेज रोल्स हैं, इस पर आप क्लिक कीजिए. सॉरी, ये आ गया. अब आपको जिसको पेज रोल प्रोवाइड करना है, इसमें एक पेज रोल आ रहा है अभी एडमिन का, मैं खुद इसमें एडमिन हूँ, मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है. आप किसी और को कुछ अप्लाई करना चाहते हैं कोई पेज रोल, तो आप उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ से चूज करेंगे. देखिए पांच हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी, एडमिन, एडिटर, मॉडरेटर, एडवर्टीजर और एनालिस्ट. तो जितने भी नंबर ऑफ पीपल्स आपके पास हैं, मोर देन वन एनालिस्ट हो सकते हैं, मोर देन वन एडवर्टीजर या फिर आपका मॉडरेटर, एडिटर, एडमिन, सब कुछ मोर देन वन हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको जस्ट यू हैव टू राइट द ईमेल आईडी ऑफ दैट पर्सन or your friend or your colleague into this box and you have to set the role for that particular email ID और उसको आपको add करना होता है. तो automatically that person get email or that person get notified so that they can access this page with the help of that particular role. तो जो भी role आप choose करेंगे उसके according आपका वो बंदा
इस पेज को सेट कर सकता है या फिर विजिट कर सकता है, ठीक है। तो दीज आर द मेन ऑप्शन दैट वी नीड टू चेक बिफोर क्रिएटिंग योर पेज, योर बिजनेस पेज सेटिंग, ठीक है। ये बात क्लियर हुई सभी को? हेलो, इज दिस राइट? दिस इज आवर इनसाइट, जो मैं इनसाइट की बात आपको बता रहा था कि अभी हमने आज ही क्रिएट कर रखा है, तो लास्ट 28 डेज का ये दिखा रहा है, 11 अक्टूबर टू 7 नवंबर, लेकिन क्योंकि हमने आज ही इसको क्रिएट कर रखा है तो इसमें किसी भी तरह का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कितने पीपल रीच हुए, कितने लोगों ने एंगेजमेंट किया हमारे पेज के साथ, कितने पेज लाइक हुए, कितने प्रोडक्ट क्लिक हुए, तो ये डेफिनेटली अभी जीरो ही आएगा क्योंकि आज ही हमने क्रिएट कर रखा है। वन बाय वन जैसे जैसे लोग हमारे पेज से जुड़ते जाएंगे, ऑटोमेटिकली यू विल गेट द इनसाइट, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इनसाइट यू कैन चेक योर पेज, हाउ इज योर पेज वर्किंग, इट इज वर्किंग गुड और बैड, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू चेंज योर पेज प्रोफाइल, आपके पेज के प्रोफाइल को आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इनसाइट। तो इनसाइट बेसिकली आपको एक ऐसा प्रोफाइल क्रिएट करा रहे हैं, ऐसी चीज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं जिसकी हेल्प से आप अपने पेज को एडमिन कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर बिजनेस पेज हमारा क्रिएट हो गया है, अब आपको उसे ऑप्टिमाइज करना है, ऑप्टिमाइज का मतलब है बिजनेस के लिए और ज्यादा बेटर तरीके से उसे क्रिएट करना है, तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिनकी हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये आपको खुद ही करने पड़ेंगे। जैसे ऐड अ पिंड पोस्ट, अब जैसे जब हम पोस्ट क्रिएट करते हैं तो वी हैव अ ऑप्शन कि वो पोस्ट नॉर्मल हो या पिंड हो। पिंड पोस्ट वो पोस्ट होती है जो सबसे टॉप मोस्ट पे आपको दिखाई देती है। वैसे जनरली हम क्या करते हैं, जब आप पोस्ट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जब आप एक नई पोस्ट क्रिएट करेंगे तो वो आपकी टॉप में आती है और बाकी पोस्ट उसके बिलो आ जाती है। आपने एक नई पोस्ट क्रिएट करी तो आपकी जो पुरानी पोस्ट थी वो ऑटोमेटिकली इट विल गेट डाउनसाइड, ठीक है। आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसी पोस्ट क्रिएट करें तो जो हमेशा टॉप पे ही रहे, बाकी सारी पोस्ट उसके नीचे आए, तो दैट पोस्ट इज बेसिकली नोन एज पिंड पोस्ट। पिंड पोस्ट आप क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली दैट पोस्ट विल गेट हायर रैंकिंग देन अदर पोस्ट, ठीक है। तो आप पिंड पोस्ट क्रिएट कीजिए। मेक द मोस्ट ऑफ टैम्पलेट्स एंड टैब, बहुत सारे टैम्पलेट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं एडवर्टीजमेंट क्रिएट करने के लिए, उन टैम्पलेट्स का आप लोग यूज कीजिए। जो टैब मैंने अभी आपको बताया, इन टैब्स का आप यूज कीजिए प्रॉपर तरीके से, डिस्क्रिप्शन दीजिए, पेज का नाम दीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस पेज को हाईलाइट कर सकते हैं लाइक अदर पेजेस। दैट मीन्स कि जो और बिजनेसेस, जो और लोग हैं जिन्होंने फेसबुक पे बिजनेस अकाउंट बना रखे हैं, तो आप उनके पेजेस को लाइक कीजिए, क्योंकि जब आप उनके पेजेस को लाइक करेंगे तो ऑटोमेटिकली दे विल गेट इन्फॉर्म कि आपने उसे लाइक किया है, एंड दे विल गेट नोटिफाइड दैट देयर इज अ बिजनेस पेज अवेलेबल इन द फेसबुक डोमेन जिसका ये नाम है, और वो आपके पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो यू हैव टू लाइक द अदर पेजेस ऑल्सो। रिव्यू योर सेटिंग, जैसे मैंने अभी बताया आपको, आप इनसाइट रेगुलरली चेक करते रहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सेटिंग्स को रेगुलरली रिव्यू करते रहेंगे कि कहाँ कहाँ तक वो सेटिंग्स आपकी पोस्ट हो रही हैं, कौन कौन लोग उसे देख रहे हैं, कितना देख रहे हैं, वो सब कुछ आपको इनसाइट में दिखेगा। लर्न फ्रॉम पेज इनसाइट, डेफिनेटली यू हैव टू लर्न फ्रॉम पेज इनसाइट। लर्निंग करेंगे तभी आप अपने बिजनेस पेज को और ज्यादा बेटर क्रिएट कर सकते हैं। लिंक योर फेसबुक पेज फ्रॉम अदर वेब पेजेस, दैट मीन्स जैसे आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे अपने फेसबुक पेज का लिंक डाल रही है आप, उसके अकॉर्डिंग जब आपकी कोई वेबसाइट विजिट करेगा तो डेफिनेटली दे विल गेट इन्वॉल्व इन योर फेसबुक अकाउंट ऑल्सो। तो दीज आर सम ऑफ दी ऑप्शंस, बट दीज आर सम प्रैक्टिकल ऑप्शंस दैट यू कैन अप्लाई टू योर बिजनेस पेज टू गेट योर बिजनेस पेज इन हायर रैंकिंग इन योर फेसबुक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो फेसबुक अकाउंट का बिजनेस पेज वाला पार्ट है ये कंप्लीट होता है। अगर यहाँ पे अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट ट्यूटर पे चले जाएंगे। नेक्स्ट जो अकाउंट है, जो हमारा सोशल मीडिया अकाउंट है, वो है ट्विटर, ठीक है। ट्विटर के बारे में भी सबको पता है, ये फेसबुक जैसा तो नहीं है, आपस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो शेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये आजकल ट्रेंड में है ट्वीट करना, ठीक है। तो बेसिकली इट इज अ फ्री सोशल नेटवर्किंग एंड माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विस दैट इनेबल्स इट्स यूजर टू सेंड एंड रीड मैसेजेस नोन एज ट्वीट्स। तो ट्वीट्स की हेल्प से हम लोग बेसिकली ट्विटर पे अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी नॉलेज को या फिर अपने जो आपका डोमेन एरिया है उसको हम लोग बेसिकली शेयर यहाँ पे कर सकते हैं, अपने थॉट्स को शेयर यहाँ पे कर सकते हैं। Previously, these tweets has a limit of 140 characters, but now it has enhanced to 280 characters. ठीक है, आप 280 characters तक का tweet यहाँ पर एक बार में कर सकते हैं. And it has around 200 million user, a large number of user base, जो हम target कर सकते हैं अपने business के लिए. ठीक है, business में कहाँ पे use करते हैं Twitter को हम लोग? Basically, we can use Twitter to promote our business and company in social media.
जो वहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनसे हम नहीं कम्युनिकेट कर सकते हैं, वहाँ पे प्राइवेट प्राइवेट मैसेजिंग भी होती है, मैसेज के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वी कैन मॉनिटर व्हाट आर पीपल सेइंग अबाउट आर कंपनी, क्योंकि लोग ट्वीट करते हैं आपकी कंपनी के बारे में, अगर कोई ट्वीट करेगा तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे पता लग जाएगा और आप उसको चेकआउट कर सकते हैं कि आपकी कंपनी के बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या चेकआउट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ठीक है। एंड यू कैन बिल्ड रिलेशनशिप विद इंडस्ट्री लीडर्स, देर आर मैनी लीडर्स दैट आर इन्वॉल्वड इन ट्वीटिंग, तो वो रेगुलरली ट्वीट करते रहते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उनकी हेल्प से आप अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप आपका डेवलप हो सकता है, ठीक है। यू कैन प्रमोट इवेंट्स, वीडियोज, फोटोज, ब्लॉग पोस्ट यू हैव डेवलप्ड फॉर योर बिजनेसेस डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग वहाँ पे ट्वीट करते हैं तो ये सारी चीजें आप लोग पोस्ट कर सकते हैं, एंड इट कैन ऑल्सो इंक्रीज ट्रैफिक टू योर वेबसाइट डेफिनेटली। जब हम लोग SMO पे बात करते हैं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन पे बात करते हैं, तो फिर क्या होता है कि आप अपने वेबसाइट के ट्रैफिक को भी इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्निक। जैसे जैसे लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे वैसे वैसे आपका वेबसाइट का ट्रैफिक भी इंक्रीज करेगा, और जैसे आपका वेबसाइट का ट्रैफिक इंक्रीज करेगा आपकी वेबसाइट जो है वो रैंकिंग में और ज्यादा बेटर होने लगती है, गूगल में रैंक और ज्यादा हायर होने लगती है, ठीक है। और जैसे जैसे गूगल में रैंक हायर होने लगेगी, योर द चांसेस ऑफ गेटिंग योर वेबसाइट इनटू द फर्स्ट पेज ऑफ गूगल सर्च विल गेट हायर, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारे पास चांसेस यहाँ पर है। हाउ कैन ट्विटर हेल्प यू मैनेज योर बिजनेसेस, आप जब फॉलो करते हैं किसी को तो यू कैन बिल्ड योर फॉलोइंग, कनेक्ट विद योर करेंट कस्टमर्स, फ्यूचर फैंस, लॉयल ब्रांड एडवोकेट्स ऑन ट्विटर। यू कैन ब्रिंग योर न्यू लॉन्चेस टू ट्विटर, जो नया लॉन्च आप कर रहे हैं प्रोडक्ट वगैरह का वो आप ट्विटर पे लॉन्च कर सकते हैं, लेटेस्ट न्यूज आप लोग सर्च आउट कर सकते हैं यहाँ पे। प्रोवाइड टाइमली कस्टमर सर्विसेज, कीप एन आई आउट ऑफ एट द रेट मैंशन ऑफ योर ब्रांड, सो दैट कस्टमर सर्विस का आज की डेट में बहुत अच्छा ऑप्शन है कि लोग क्या करते हैं, अगर कहीं पे कोई कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं मिल रही तो सबसे पहला काम वो ये करते हैं कि फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन वगैरह में पोस्ट कर देते हैं। लिंक्डइन में तो बहुत कम करते हैं, ट्विटर और फेसबुक पे ज्यादा कर देते हैं। तो आप उनको रेगुलरली आई चेकआउट कर सकते हैं कि कोई आपके ब्रांड के बारे में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव फीलआउट तो वहाँ पे नहीं दे रहा है। यू कैन मॉनिटर योर कॉम्पिटिशन, देर आर लिस्ट दैट इज नोन एज ट्विटर लिस्ट, आप वहाँ पे अगर अपने कॉम्पिटिटर का नाम एड ऑन कर दें तो ऑटोमेटिकली उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके वॉल पे पोस्ट बाय डिफॉल्ट होती रहेगी। एंड ट्विटर फ्री है तो इसके जो एड्स वगैरह हैं वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली एड फ्री तो नहीं है इसके, लेकिन फिर भी कुछ एक चीजें फ्री हैं उसमें, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ट्विटर एड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसको मैं अभी आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली ट्विटर एड्स कैंपेन हेल्प यू रीच योर मार्केटिंग गोल्स, whether that's building awareness, अपने प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस देना चाहते हैं, तो आप ट्विटर पर इन चीज़ों को पोस्ट आउट कर सकते हैं। 20 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के ऑप्शन यहाँ पे आपके पास हैं ट्विटर में शोकेस करने के लिए, आपको उनसे रिलेटेड कंटेंट और मीडिया ऑटोमेटिकली ट्विटर में एड ऑन मिलेगा। दैट मीन्स आपको उसको खुद क्रिएट नहीं करना है, तो आपको इसको बनाना है आप बना सकते हैं, और इनके जो टैम्पलेट्स हैं उनको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। And get learning from your dashboard to scale and optimize your Twitter ads campaigns. अभी दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह से ये काम किया जाता है। तो first of all, इसमें भी वही है जैसे Facebook में था, आपको Twitter ads को use करने के लिए अपने Twitter account पर login करना होगा, और Twitter account पर login करने के बाद you have to go to your Twitter ads, जिसकी help से हम adding यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। Now for creating Twitter ad account, you have to create your ads, build कैंपेन, और उसके बाद उन कैंपेन्स की परफॉर्मेंस को आपको मेजर करना। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, बहुत इजीली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं दिखाता हूं आपको कैसे करते हैं। सबसे पहला काम, हम ट्विटर पर लॉगिन करेंगे, ब्राउजर देख रहा है आपको? हेलो, यस सर। एक्चुअली वर्कशॉप में अगर टू वे कम्युनिकेशन हो तो ज़्यादा बेटर है। अब ऐसा लग रहा है कि मैं लेक्चर ले जा रहा हूँ और कोई सुन भी रहा है, नहीं सुन रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा। चलिए, तो ये बेसिकली मेरा ट्विटर अकाउंट है, इस पर कुछ पोस्ट आपको दिखाई दे रही होंगी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इसमें बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं। इसमें एक ऑप्शन हमारे पास है मोर का, इस मोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ रहे हैं देखिए ट्विटर एड्स। इस एड पे आप लोग क्लिक करेंगे and automatically you will be forwarded to Twitter ads. ये आपका Twitter ad का form apply हो गया। Twitter ad basically क्या है, यहाँ पे हमें campaign बनाना होता है, ठीक है। तो
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव. आप ये बताएंगे कि आप जो एड क्रिएट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. ठीक है, अवेयरनेस के लिए है, कंसिडरेशन के लिए है, कन्वर्जन के लिए, किसके लिए के लिए आप यहाँ पे एड बनाना चाहते हैं. मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा एड जो है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और मैं अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक या फिर अपने ट्वीट में लोगों का इंगेजमेंट चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि जो मैं ट्वीट पोस्ट करूँ उसमें लोगों का इंगेजमेंट बढ़े. इतने सारे में से कोई एक ही चूज कर पाएंगे आप, बहुत सारे एक साथ चूज नहीं कर सकते. ठीक है, तो जो भी एक चूज करेंगे वो आप चूज कर लीजिए. मैं चाहता हूँ कि मेरे ट्वीट जो है उनमें लोगों का एंगेजमेंट बढ़े, यानी कि वो ट्वीट लोगों के मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचे. अब वो मेरे फ्रेंड सर्कल में है, मुझे फॉलो कर रहे हैं तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, मुझे फॉलो नहीं भी कर रहे हैं तो भी मेरा ट्वीट लोगों के पास पहुंचे. तो इसके लिए मैं कैंपेन चलाना चाहता हूं. ठीक है, तो मैंने इसको चूज किया, नेक्स्ट किया. ऑटोमेटिकली यहां पे कैंपेन की डिटेल आ रही है. आप इनमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैंपेन का नाम चेंज कर लीजिए. मैंने कैंपेन का नाम दिया इसमें माई ट्वीट कैंपेन. ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि ये कह रहा है भाई पैसा कैसे दोगे. जो आपका कैंपेन चलेगा उस कैंपेन में पैसा लगेगा. फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता कुछ भी, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे आपका ट्विटर हो या फिर लिंक्डइन हो, हर जगह आपको पेमेंट करना पड़ेगा. ठीक है, अगर पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप कैंपेन नहीं चला सकते. ठीक, तो सबसे पहले ये यही पूछ रहा है और इसका ऑप्शन सिर्फ यही है आपके पास कि आप क्रेडिट कार्ड की हेल्प से ये कर सकते हैं. ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि डेली बजट $100 का आप देना चाहें या आपका मैक्सिमम बजट कुछ और है तो आप ये ट्राई आउट कर सकते हैं. ठीक, तो मैं अभी इसको अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट करता हूँ इसको. जैसे ही आप कैंपेन में आते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है कि उस कैंपेन के अंदर आपको ग्रुप बनाने होते हैं. पहला काम ये था कि हम ट्विटर एड पे आपने क्लिक किया. ट्विटर एड पे जैसे ही हम क्लिक करके गए तो एक पेज ओपन हुआ, यहाँ पर हमारा कैंपेन ओपन हुआ. हमने कैंपेन पे कैंपेन का नाम लिखा और उसके बाद जैसे ही हमने नेक्स्ट किया हम ग्रुप डिटेल में आ गए. दैट मींस कि आपकी कैंपेन की डिटेल अब यहाँ पे आपको सेट करनी है. ठीक है, मैं सेट करके दिखाता हूँ आपको वन बाय वन. मैंने कहा भाई माई सॉरी कैंपेन, ये फिर से वही बजट पूछने लग गया है. मैंने बजट अभी कुछ नहीं दिया इसे, ऐसे ही आगे जाते हैं, छोड़ देते हैं इसको. जब तक मैं बजट यहाँ पे नहीं दूंगा आप आगे इसको फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ समझाने के लिए इस पेज को आपको समझा रहा हूँ. तो अभी मैं इसमें कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, मेरा कोई बजट नहीं है. अब यहाँ पे एक बिड की स्ट्रैटेजी है, ऑटो बिड और मैक्सिमम बिड, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा. एक्चुअली बिडिंग यहाँ पे जो कैंपेन चलता है, ट्वीट जो आपके होते हैं या भी जो भी कैंपेन आप चलाना चाहते हैं, जो भी एड आप देना चाहते हैं, उसके लिए दो तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं. एक है ऑटो बिड और दूसरा है मैक्सिमम बिड. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा एक ट्वीट है और मैंने उसके लिए पैसा दिया और मैंने दिया लगभग 110 रुपया. मैं चाहता हूँ कि 110 रुपये मैं दूँ और ये जो मेरा ट्वीट है ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँच जाए. तो ट्विटर ने कहा ओके ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि वो जो 110 रुपये आप दे रहे हैं वो ऑटो बिड होगा या मैक्सिमम बिड होगा. ठीक है, तो अब इसको समझते हैं कि ऑटो बिड और मैक्सिमम बिड का क्या फंडा है. बेसिकली क्या होता है कि ये ट्विटर क्या करता है कि सेम तरह के जितने ऐड होंगे उनको एक ग्रुप के अंदर रख देता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा जो ट्वीट वाला फंडा है, मैंने ट्वीट किया सपोज मैं एक किसी पार्टी का सपोर्टर हूं और मैंने उस पार्टी के फेवर में ट्वीट किया है. ठीक है, तो अब ट्विटर क्या करेगा, उस पार्टी के फेवर में जितने भी ट्वीट होंगे उन सारे ट्वीटों का एक ग्रुप बना देगा. सारे ट्वीट एक ग्रुप के अंदर आ गए और उसमें सब ने बिडिंग कर रखी है. मैंने अभी जो पैसे इसमें लगाए हैं वो लगाए हैं 110 रुपए. ठीक है, और किसी ने सपोज 109 रुपए लगाए, किसी ने 100 रुपए लगा रखे हैं, किसी ने 115 रुपए लगा रखे हैं. इस तरह से बिडिंग हो रखी है. तो ये क्या करता है ट्विटर, जो मिनिमम प्राइस वाला बिड होगा उस मिनिमम प्राइस वाले एड को वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएगा. यानी कि मैंने क्योंकि 110 रुपए यहाँ पे दे रखे हैं तो 109, 105, 103, 101 वाला जो बिड होगा, सबसे नीचे वाला बिड जो है वो सेम कंडीशन पे 101 वाला सपोज है, तो 101 वाला जो बिडिंग है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा. ये बात समझ में आ रही है सबके? मैं एक बार और बताता हूँ, अभी इसमें और भी कंसेप्ट है थोड़ा सा. अब जब ये बिड वहां पे पहुंचता है, जैसे 101 रुपए वाला बिड पहुंचा लोग बहुत लोगों के पास, ठीक है, अब लोगों ने उस ट्वीट को देखा और उस पर क्लिक नहीं किया,
तो आपके ट्विटर के जो ये कोड जो एल्गोरिथम है उसको पता लग जाता है कि भाई ये जो ट्वीट है इसको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सेज नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, उसके बाद वाला जो ट्वीट था 103 रुपए वाला जो था उसको मार्केट प्लेस में फैलाएगा, उसके बाद 105 वाले पे जाएगा, और जो मैंने दिया था 110 वाला वो उसके बाद आएगा। 110 वाले को जब उसने फॉरवर्ड किया और उस पर सपोज लोगों ने रिस्पॉन्स करना शुरू किया, तो ऑटोमेटिकली हर एक रिस्पॉन्स पे मेरे अकाउंट से 110 रुपए कटते जाएंगे। जितने रिस्पॉन्सेज होंगे उतनी बार वो 110 रुपए कटेगा। मैंने 110 रुपए बहुत हायर एंड पे यहाँ पे बताया है आपको, ये बेसिकली पैसे में होता है, 1 पैसा 2 पैसा 4 पैसा 5 पैसा, एक ट्वीट के लिए 5 पैसा या 2 पैसा या 3 पैसा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल समझाने के लिए 110 रुपए की मैंने बात करी आपसे। तो ये ऑटो बिड है, तो ऑटो बिड में जनरली क्या होता है कि आपका जो बिडिंग पहुंचेगा वहां पे, जब आपका जो ट्वीट है वो लोगों तक पहुंचेगा, तो जो बिड आपने लगाई है उससे मिनिमम वाला जो था उसका अगर आउटरीच नहीं हो पा रहा है इतना, तो आपके, जैसे मैंने 110 लगाया तो 110 नहीं कटेंगे मेरे, मेरे क्या कटेंगे, जो मिनिमम वाला बिड था जिसने लगाया था 101 रुपए, क्योंकि 101 वाले का आउटरीच हुआ ही नहीं, उसका लोगों ने रिस्पॉन्स ही नहीं करा, तो मेरे वाले का रिस्पॉन्स करा है, लेकिन अब ये सेम ग्रुप में थे तो सेम ग्रुप में सबसे मिनिमम वाला जो था वो 101 रुपए वाला था, तो मेरे अकाउंट से 101 रुपए कटेंगे, 110 रुपए नहीं कटेंगे। यानी कि मैंने बिडिंग जो लगाई थी वो 110 की लगाई थी, लेकिन कट कितना रहा है 101 रुपए, दैट मीन्स कि मुझे फायदा हो रहा है। ये तो होता है ऑटोबिट का, और जनरली यही रिकमेंडेड होता है, ये लोएस्ट प्राइस के लिए है, तो जनरली यही रिकमेंडेड होता है नए यूजर्स के लिए, क्योंकि हमको पता नहीं है, नए यूजर्स को पता ही नहीं है कि बेसिकली बिडिंग होती कैसे है, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक बार एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप मैक्सिमम बिड पे जा सकते हैं। मैक्सिमम बिड में क्या है कि आपका आउटरीच होगा ही होगा, मतलब आपने अगर 110 रुपए पे लगाया है तो आपके 110 रुपए कटने हैं, और आपका जो ट्वीट है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, आपको उसके लिए बिडिंग करने की जरूरत नहीं है, वो मैक्सिमम बिड है, ठीक है, उसके ऊपर जाएगा ही नहीं ना उसके नीचे आएगा। ये बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से सभी को, और कुछ लोग बिडिंग वगैरह पहले से करते हैं तो उनको ज्यादा बेटर समझ में आ रहा होगा। तो बेसिकली ये दो स्ट्रेटेजी हैं, ऑटो बिड और मैक्सिमम बिड की। और जनरली क्या है कि जो आपकी न्यू कस्टमर्स हैं, न्यू जो बिजनेस प्रोवाइडर्स हैं, उनके लिए जो यहाँ पे रिकमेंडेड है वो ऑटो बिड है। मैक्सिमम बिड आप तब जा सकते हैं जब आपके पास एक बार आपको आइडिया हो गया कि ट्विटर में बिडिंग किस तरह से हो रही है, उसके बाद आप मैक्सिमम बिड के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो हायर पड़ता है, डेफिनेटली हायर पड़ता है ऑटो बिड के मुकाबले में। इसके बाद पे बाय एंगेजमेंट, एंगेजमेंट का मतलब है कि जितने लोग आपके ट्वीट के साथ एंगेज करेंगे उतनी बार आपको पे करना होगा, ठीक है। डेमोग्राफिक्स, आप किससे, किसके पास अपने एड को भेजना चाहते हैं, वुमेन मैन सबके पास जाना है तो एनी पे क्लिक कीजिए, वुमेन पे जाना है तो वुमेन पे, सिर्फ मैन के लिए है तो मैन के लिए आप क्लिक कर सकते हैं। एज ग्रुप क्या है, तो आप यहाँ से रेंज दे सकते हैं एज की, कि भाई मुझे 18 से ऊपर चाहिए और 54 से नीचे चाहिए, तो आप यहाँ पे सबके लिए भेजना है तो आप ऑल कर लीजिए। एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको सर्च करना है या भेजना है तो आप यहाँ पे लोकेशन सेट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा चाइना, तो चाइना से रिलेटेड जितनी भी सिटीज यहाँ पर हैं वो हाईलाइट हो गई, आप इनमें से किसी पर्टिकुलर सिटीज को चेक कर लीजिए, तो उसके जो यूजर होंगे उनके पास ही मैक्सिमम आपकी आउटरीच होगी, ठीक है। और अब बाय डिफॉल्ट इसमें इंडिया लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मैं इंडिया से रिलेटेड हूँ, आप नहीं चाहते हैं तो इसको क्रॉस कर दीजिए, वो हट जाएगा। किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लोगों के लिए आप चाहते हैं हिंदी वालों के पास जाए या इंग्लिश वालों के पास जाए, तो ये सारे लैंग्वेज के ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, यू कैन चूज ऑन योर अकॉर्डिंग टू योर नीड, ठीक है। डिवाइसेस, दैट मीन्स कि जो ट्विटर अकाउंट ओपन कर रखा है वो ओपन किस डिवाइस पर कर रखा है, एप्पल पे क्या है तो iOS चूज कर लीजिए, एंड्रॉयड है, अदर मोबाइल है, डेस्कटॉप है, आप चाहते हैं कि भाई नहीं, जो डेस्कटॉप पे ट्विटर ओपन करे सिर्फ उन्हीं को दिखाई दे, बाकी लोगों को ना दिखाई दे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि सपोज आपने कोई ऐसा एड क्रिएट किया है जो डेस्कटॉप पे तो बढ़िया दिख रहा है लेकिन मोबाइल पे इतना ज्यादा बेटर उसका लुक है, तो डेफिनेटली आप चाहेंगे कि जो डेस्कटॉप वाले हैं उन्हीं को ये दिखाई दे, तो आप डेस्कटॉप चूज कर लीजिए। तो डेस्कटॉप में लैपटॉप वगैरह सब आ जाते हैं, ठीक है। डिवाइस मॉडल आप कोई चूज करना चाहते हैं कि भाई नहीं, गूगल वाले ही, गूगल के मोबाइल फोन वालों को ही दिखना चाहिए ये, बाकियों को नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, या सोनी के मोबाइल फोन वालों को ही दिखे बाकियों को ना दिखे, तो आप यहाँ से मॉडल चूज कर सकते हैं। देन वी हैव कस्टम ऑडियंस, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं किसी को अगर आपको इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, तो आप यहाँ पे ऑडियंसेस को रिमूव या अपडेट कर सकते हैं। कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे आपको इंक्लूड करना है, जैसे आपके एड्स रिलेटेड कुछ कीवर्ड हैं, लोग अगर ट्विटर पे सर्च करें, सपोज उन्होंने सर्च किया आज की डेट में कोरोना, ठीक है,
तो कोरोना एक कीवर्ड है, तो कीवर्ड से रिलेटेड अगर आपको आप चाहते हैं कि भाई जो कोरोना सर्च करे तो मेरा वाला एड ये वाला दिखाई दे क्योंकि इसमें दवाई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक, तो आप यहाँ पे वो कीवर्ड इंसर्ट कर लीजिए और इससे अकॉर्डिंग इंटरेस्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, मूवीज एंड टीवी शोज इंसर्ट करना चाहते हैं, जो भी आपको इंसर्ट करना है वो सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप जो भी यहाँ पे इंसर्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका एड जो है वो सर्च आउट में आएगा, ठीक है। और ट्विटर की प्लेसमेंट, दैट मीन जो आपका एड है वो कहाँ पे प्लेस होगा, प्रोफाइल में, सर्च रिजल्ट में कहाँ पे प्लेस होना है वो चूज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक। फिर ये यहाँ पे मेरे ट्वीट्स दिखा रहे हैं, यहाँ पे दो तरह के ट्वीट्स आते हैं, एक तो आता है नॉर्मल ट्वीट्स, इनको ऑर्गेनिक ट्वीट्स बोलते हैं, एक आता है प्रमोटेड ऑनली ट्वीट्स, ठीक है। जैसे मैंने एक पर्टिकुलर ट्वीट को क्लिक किया, मैं चाहता हूँ ये वाला ट्वीट जो है वो प्रमोट हो, आगे बढ़े, इसको मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक ट्वीट है तो कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये प्रमोटेड ऑनली ट्वीट है तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं प्रमोटेड ऑनली ट्वीट। प्रमोटेड ऑनली ट्वीट चूज करते ही होगा क्या कि इसके लिए आपके जो पेमेंट मेथड है वो अप्लाई हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे कटने लगेंगे। और ये वाले ट्वीट आप हर एक बंदे के प्रोफाइल में जहां पर वो ट्वीट आएगा उसके टॉप मोस्ट एरिया में उनको दिखाई देगा, और आपके प्रोफाइल में भी ये अब हट जाएगा। जो ऑर्गेनिक ट्वीट्स होते हैं वो प्रमोट भी होते हैं और आपको दिखाई भी देंगे, लेकिन जो प्रमोटेड ऑनली ट्वीट्स होते हैं ये आपके अकाउंट में आपको नहीं दिखाई देंगे, फिर ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये सिर्फ उन यूजर्स को दिखाई देगा जिन यूजर्स के पास ये ट्वीट पहुंचेगा, यानी कि आपको अपने नॉर्मल अकाउंट पे ये ट्वीट फिर नहीं दिखेगा। ये प्रमोटेड ऑनली ट्वीट्स और ऑर्गेनिक ट्वीट में डिफरेंस है, बस इतना ही इसमें ऑप्शंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने पेमेंट यहाँ पे सेट नहीं कर रखा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे एस्टिमेट आ रहा है कि 21.8 मिलियन टू 24.1 मिलियन जो आपका टारगेट साइज है, इसके अकॉर्डिंग ये एड जो आपका है वो हाईलाइट होगा और चलेगा, ठीक है। इसके बाद करेंगे तो इस कैंपेन को लॉन्च करने का टाइम आएगा, लॉन्च हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम पेमेंट की डिटेल नहीं डालते, जो कि हम अभी नहीं डाल रहे हैं, भाई इतना ही काम इसमें होता है। इसके अकॉर्डिंग जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो ट्विटर में एड ऑन कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, ये बहुत आसान सा कंसेप्ट था, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें नहीं है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन हम लोग कर चुके हैं, हमने ऑर्गेनिक प्रमोटेड ओनली ट्वीट के बारे में बात करी, अभी कैंपेन सेटअप बेसिकली हमने अभी किया था, और उसके बाद इनकी सारी डिटेल एड ग्रुप्स वगैरह हमने बनाए थे, तो यही मैंने यहाँ पे ट्विटर इसमें आपके पीपीटी में लिख रखे हैं, तो इनको हम लोग चेकआउट कर सकते हैं। देर आर सम एफएक्यूज आल्सो विच पीपल आस्क बिफोर गोइंग फॉर ट्विटर एड्स, लाइक हाउ मेनी ट्वीट शुड इंक्लूड इन माय कैंपेन। इसका आंसर ये है कि यू कैन इंक्लूड टू और थ्री ट्वीट्स इन योर कैंपेन। फॉर लॉन्गर कैंपेन रिफ्रेश कॉपी एंड और क्रिएटिव एडी 2 वीक्स टू कीप थिंग्स फ्रेश एंड रिटेन योर ऑडियंस अटेंशन, यानी कि 2-2 हफ्ते के बीच में आप इनको चेंज आउट कर सकते हैं। 2 या 3 ट्वीट बहुत ज्यादा है एक कैंपेन के लिए। कैंपेन की लेंथ क्या होनी चाहिए, तो मिनिमम आपकी 2 वीक्स की लेंथ होनी चाहिए, इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसका आपको ध्यान में रखना है बजट का आपने, क्योंकि जितनी ज्यादा लेंथ ज्यादा होगी उतनी ज्यादा प्रमोशन आपके ट्वीट का होगा, उतनी ज्यादा पेमेंट आपके अकाउंट से कटने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कैंपेन लेंथ यूजर्स प्रमोट होंगे, आपके जो ट्वीट है वो प्रमोट होगा यूजर्स के पास, तो यूजर उनको क्लिक कर सकते हैं, जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे उसके, ठीक है। हाउ मच डज अ कैंपेन कॉस्ट विद ट्विटर एड्स कैंपेन, यू चूज द बजट, देयर इज नो मिनिमम स्पेंड रिक्वायर्ड एंड यू ऑलवेज हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर कैंपेन स्पेंड। और डेफिनेटली यू नीड टू थिंक दैट कि फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जी तो पैसा कमाएंगे, इतने सारे लोग इनमें जॉब कर रहे हैं तो वो पैसा कहाँ से आएगा, तो वो पैसा बेसिकली इन एड से ही कंपनीज कमाती हैं और उसी पैसे से फिर ये कंपनीज आगे ग्रो करती हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली जो ये कैंपेन वगैरह सेटर्स हैं यही इसका पेमेंट मोड है, पेमेंट इसी के थ्रू ये लोग अर्न करते हैं, ठीक। तो दीज आर सम ऑफ द एफएक्यूज दैट यू नीड टू नो अबाउट योर ट्विटर एड्स, ठीक। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट टॉपिक और है हमारे पास, टाइम भी हो रहा है अभी, तो इसको फटाफट कर लेते हैं, लिंक्डइन के बारे में, उसके बाद हम लोग स्टॉप करेंगे। तो लिंक्डइन भी आपको पता है, लिंक्डइन में बेसिकली हम लोग प्रोफेशनल नेटवर्क क्रिएट करते हैं, फेसबुक और जो ट्विटर है इसमें प्रोफेशनल नेटवर्क क्रिएट नहीं होता है, वहाँ पर सोशल नेटवर्क, हमारा पर्सनल सोशल नेटवर्क बेसिकली हम लोग फेसबुक में और लिंक्डइन में यूज, आपके ट्विटर में यूज करते हैं, लेकिन लिंक्डइन इज यूज फॉर ओनली प्रोफेशनल नेटवर्क, ठीक है। It is a social network specially designed for career and business professionals to connect. It is a site for professionals, so everything is geared towards careers and business. Those are related information basically इसमें मिलती है। अब थोड़ा सा ये dilute हुआ है,
लोगों ने जैसा फेसबुक यूज करते हैं वैसा ही इसको भी यूज करना शुरू कर दिया है, बट इट इज नॉट ओके। लोगों को ये समझना चाहिए कि कौन सा प्लेटफॉर्म किस चीज के लिए बना हुआ है। तो आज की डेट में वो फैमिली पोस्ट भी अपनी लिंक्डइन में पोस्ट करते हैं, दैट इज नॉट गुड। तो एज जितने भी अभी ऑडियंस मेरे ख्याल से मुझे सुन रहे हैं, ये सारे के सारे प्रोफेशनल्स ही हैं। अगर आप भी कुछ ऐसा करते हैं, वैसे तो मेरे ख्याल से कोई करता नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर बाय डिफॉल्ट आपको ऐसा लगता है कि लोग कर रहे हैं, तो आपके नोन में अगर कोई है तो उनको समझाइए कि भाई ऐसा ना करें और आप भी ऐसा ना करें। तो एज यू बिल्ड योर प्रोफाइल एंड सीक आउट कनेक्शंस, एंडोर्समेंट एंड रिकमेंडेशन, यू विल वांट टू बी अ प्रोफेशनल। दैट मींस विदाउट प्रोफेशनल अकाउंट आप लिंक्डइन को यूज नहीं कर सकते। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्क विद नियरली 800 मिलियन मेंबर्स एंड मोर देन 200 कंट्रीज एंड टेरिटरी वर्ल्ड वाइड। आप समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे अपने बिजनेस को प्रमोट करें लिंक्डइन के अंदर, तो एक तो आपको जो क्लाइंट यहाँ पे मिलेगा वो पढ़ा लिखा मिलेगा। मैंने भी बताया आपको कि इसको प्रोफेशनल लोग ही यूज करते हैं, तो डेफिनेटली दे आर मोर एजुकेटेड देन दी फेसबुक एंड ट्विटर यूजर्स। ट्विटर में तो कोई भी यूज कर लेता है, फेसबुक कोई यूज कर लेता है, लेकिन लिंक्डइन में जो अनएजुकेटेड लोग, उनको पता भी नहीं होगा इवन कि लिंक्डइन भी कोई चीज होती है। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोफेशनल लोग ही वर्क कर रहे हैं, तो आपको जो क्लाइंटेज यहाँ पे मिलेगा अपने बिजनेस के लिए, इट इज मोर प्रोफेशनल एंड मोर स्पेसिफिक टुवर्ड्स द गोल, और ज्यादा बेटर तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं बिजनेस पर्पजेस के लिए। बाय लिंक्डइन फॉर बिजनेस द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्क, जो मैं भी आपको बता रहा था। तो मोर देन 30 मिलियन कंपनीज यूज लिंक्डइन फॉर बिजनेसेस बिकॉज इट्स द प्रीमिनेंट सोशल नेटवर्क फॉर रिक्रूटिंग एंड हायरिंग टॉप टैलेंट। There are LinkedIn marketing tools available for every business size and type, and small to large and B2B and B2C. यानी कि business to business अगर आपको काम करना है तो उसके लिए भी LinkedIn available है, business to consumer काम करना है तो उसके लिए भी आपके पास LinkedIn available है। अभी तक हमने देखा कि Facebook में जैसे हमें business को promote करना है तो we have to create a business page। अगर हमें Twitter पे जाना है तो वहाँ पर हम ad campaign use करते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास LinkedIn campaign manager है। ये बेसिकली आपका एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म, एडवर्टीजिंग प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन का, जिसको यूज करते हुए हम अपने बिजनेस को एडवर्टीज कर सकते हैं अमंग दी लिंक्डइन क्लाइंटेज। बूस्ट योर कंटेंट अक्रॉस डिवाइसेस, प्रमोट योर ऑर्गेनाइजेशन अपडेट्स टू टारगेट ऑडियंस ऑन डेस्कटॉप मोबाइल एंड टैबलेट, एंड इट रीच योर ऑडियंस व्हेन दे आर मोस्ट एंगेज, यूज रियल प्रोफेशनल डाटा टू ड्राइव रियल रिजल्ट। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके पास रिजल्ट जो आता है वो ज्यादा बेटर है इन कंपेरिजन टू फेसबुक एंड ट्विटर। It inspire your audience to take action throughout the funnel. These are three steps, बहुत simple से steps हैं कि आप campaign manager account में जाइए, अपना object determine कीजिए और अपने campaign को launch कर दीजिए। ठीक है, तो one by one देखते हैं इसको LinkedIn में किस तरह से हम लोग काम करते हैं। Search कर लेते हैं LinkedIn campaign manager, इस पर click करते हैं। इसके लिए भी आपको लिंक्डइन का अकाउंट चाहिए। लिंक्डइन में अकाउंट क्रिएट करने के बाद ही आप लिंक्डइन कैंपेन मैनेजर को यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द वेबसाइट फॉर बिजनेस linkedin.com। इसकी हेल्प से हम लोग कैंपेन मैनेजर को लॉन्च करते हैं। तो यहाँ पे ऐड क्रिएट करने के लिए वी हैव टू क्लिक ऑन दिस बटन, वेदर यू विल क्रिएट ऐड विद द हेल्प ऑफ दिस बटन और यू कैन क्लिक ऑन दिस बटन ऑल्सो, सेम ही है। क्रिएट ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्योंकि मैं अपने लिंक्डइन अकाउंट से लॉगिन हूँ तो मेरा ही अकाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली दिस इज माय अकाउंट, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। डॉक्टर नवीन्स ऐड अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है, इसमें अकाउंट आईडी लिखी हुई आ रही है। बाय डिफॉल्ट आपको एक आईडी मिल जाएगी जैसे ही आप कैंपेन मैनेजर में लॉगिन करेंगे। कैंपेन मैनेजर में लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है कि अपना लिंक्डइन अकाउंट का यूजर नेम पासवर्ड आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, लिंक्डइन अकाउंट क्या होता है ये आपको पता है पहले से, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को पता है। अब यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन आ रहे हैं, अकाउंट, कैंपेन, एड्स। तो आपको अकाउंट क्रिएट करना है, कैंपेन क्रिएट करना है और एड क्रिएट करना है, बस हो गया। तीन ऑप्शन है जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे एड क्रिएट कर सकते हैं। मैं अकाउंट पे क्रिएट कर रहा हूँ अभी। देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक न्यू कैंपेन ग्रुप लिखा हुआ आ रहा है, आप चाहें तो नया भी बना सकते हैं कैंपेन ग्रुप, और डिफॉल्ट एक ग्रुप बना हुआ आ रहा है, मैं इसी पे क्लिक कर रहा हूँ अभी। ठीक है, कैंपेन ग्रुप पे मैंने क्लिक किया। यहाँ से अभी कोई कैंपेन मैंने नहीं बना रखा है, इतने ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, मैं इस पे क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट कैंपेन, ये आया कैंपेन। अब ये कह रहा है, सबसे पहले इसने भी पैसे मांगने शुरू कर दिए, तो ये कह रहा है कि आप कितना स्पेंड करेंगे। सपोज इसको अभी
ऐसे ही छोड़ देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर भी तीन ऑप्शन आ रहे हैं, ब्रांड अवेयरनेस आपको करनी है, वेबसाइट विजिट के लिए आपको करना है, एंगेजमेंट के लिए करना है, वीडियो व्यूज के लिए करना है, जनरेशन लीड जनरेशन के लिए करना है, या वेबसाइट कन्वर्जन, या फिर जॉब एप्लीकेंट किसके लिए आपको बेसिकली आपका ये कैंपेन स्टार्ट करना है। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे ब्रांड अवेयरनेस के लिए स्टार्ट करना है, ठीक है। हमने क्लिक किया, बिल्कुल सेम है जैसे आपने ट्विटर में अभी देखा था। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव सेट हो गया है, ब्रांड अवेयरनेस। आप चेंज करना चाहे तो फिर आप अगेन यहाँ से चूज कर सकते हैं, फिर से चेंज कर सकते हैं। मैं फिर से ब्रांड अवेयरनेस पे क्लिक कर रहा हूँ। ऑडियंस कौन सी होगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिंक्डइन ऑडियंस को चूज कर रखा है। तो अब ये कह रहा है कि भाई लिंक्डइन ऑडियंस में कौन सा ऑडियंस आपको क्या चाहिए। ऐसे लोग चाहिए जो बैचलर डिग्री वाले हों, बायोटेक्नोलॉजी में एक्सपीरियंस हो, जिनका एक्सपर्टीज बिटकॉइन में हो। देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि क्योंकि ये प्रोफेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है, तो यहाँ पे आपको पढ़े लिखे यूजर मिलेंगे। पढ़े लिखे यूजर मिलेंगे तो फिर आप उन यूजर्स के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस नीड को सेट कर सकते हैं, और ये ज्यादा बेटर है। ज्यादा बेटर इसलिए है क्योंकि ये लोग ज्यादा समझदार हैं, ये लोग अपने फ्यूचर को लेके ज्यादा एंगेज रहते हैं, और दैट्स वाई दे नीड द प्रोडक्ट फ्रॉम द क्वालिटी बिजनेस ओनली, ठीक है। तो अब इसके लिए फिर आपको अकॉर्डिंग टू योर नीड इन लोगों को चूज करना है, ठीक। मैं अभी इसमें मेडिकल डॉक्टर्स को चूज कर लेता हूँ। ओके, ये हमारे मेडिकल डॉक्टर ऑडियंस बन गए, ठीक है। लोकेशन इंडिया आ रहा है, आप एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं जहाँ से भी है। प्रीफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश आ रहा है, आप चाहें तो चेंज कर लीजिए, मर्जी है आपकी, ठीक है। हु इज योर टारगेट ऑडियंस, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल प्रैक्टिस, क्योंकि हमने यहाँ पे चूज किया ना अभी मेडिकल डॉक्टर्स, तो उससे रिलेटेड जितने फील्ड्स थे वो सारे आ गए, हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइस, मेंटल हेल्थ केयर, सब आ रहे हैं। चेंज करना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इतनी सारी जॉब टाइटल्स, यानी कि इतने सारे लोग जो आपके मेडिकल चीजों से रिलेटेड हैं, उन लोगों के पास आपका ये एड जो है वो चला जाएगा। देखिए सब लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। ये फैसिलिटी आपको ना तो फेसबुक देगा, और ना ही आपको ये फैसिलिटी आपका जो ट्विटर था वो देगा, ठीक है। तो डेफिनेटली इट इज मोर बेटर देन अदर सोशल मीडिया नेटवर्क, ठीक। ये करने के बाद उसके बाद ये कह रहा है कि भी एड फॉर्मेट कौन सा होगा आपका। सिंगल इमेज का एड होगा, क्राउजल इमेज हो, क्राउजल इमेज मतलब दो तीन इमेजेस हैं वो स्लाइड करती हुई जा रही हैं, वीडियो एड आपको बनाना है, टेक्स्ट एड है, स्पॉटलाइट एड है, डिफरेंट तरह के एड्स की कैटेगरी यहाँ पे, टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, यू कैन चूज एनी वन फ्रॉम देम। मैंने यहाँ पे सिंगल इमेज एड चूज कर रखा है, यानी कि एक सिंगल इमेज होगी आपकी। अभी कह रहा है कि कंपनी का पेज आप यहाँ पे डालिए या फिर URL डालिए। मैं अभी अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई भी चूज कर लेते हैं इसमें से। अब फिर से ये बजट पूछने लगा कि आपका डेली बजट कितना है या फिर लाइफ टाइम बजट कितना है, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट इसमें 1250 रुपये लिखा हुआ आ रहा है डेली का बजट, ठीक। तो और जो कैंपेन है आपका कब तक चलाना है, रेगुलरली चलाता रहना है, तो आप स्टार्ट डेट दे सकते हैं, सेट स्टार्ट और एंड डेट आपको देनी है। तो आप यहाँ से कब से स्टार्ट होगा, मैं चाहता हूँ कि 8 तारीख से स्टार्ट हो और ये चले कब तक, 14 तारीख तक चले। तो ये हमने यहाँ पे दे दिया, 37 डेज का आपका ये सेट हो गया। और टोटल पैसे कितने चाहिए इसको, 46,250 रुपीज़ चाहिए इस कैंपेन को चलाने के लिए, एक सिंपल सा कैंपेन चलाने के लिए इतना पैसा ये मांग रहा है। तो डेफिनेटली इट इज नॉट अ बिगर अमाउंट फॉर लार्ज बिजनेसेस, बट स्टार्टिंग जो आपके स्टार्टिंग बिजनेस हैं वो इसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये सब कुछ सेट आपने कर रखा है, पैसे वगैरह सब आपने इसमें सेट कर लिए, तो ऑटोमेटिकली दिस कैंपेन विल स्टार्ट बाय क्लिकिंग ऑन दिस नेक्स्ट बटन। अभी हाईलाइट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द कैंपेन दैट यू हैव टू यूज इन योर लिंक्डइन अकाउंट, सो दैट you can create an ad and you can post that ad in the LinkedIn social media platform. With the help of this ad, we can promote our business quite effectively. Okay? So these are basically some of the options that we need to share with you.